चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? यू आर डूइंग ग्रेट। कैन वी स्टार्ट? चलिए, आज कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ है, मतलब कल नहीं था, आज ऐड हुआ है। मैं फिर अपना ही बच्चा है। ठीक है। तो जो भी अभी इस क्लास में तो कोई नहीं है, अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है आज की लेक्चर, तो मेक श्योर करना कि आप लेक्चर वन को देख रहे हो। उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ लॉ को डिस्कस करा था। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर पे हमने कौन कौन सी बातें देखी है? तो कल हमने दो बातें डिस्कस करी। नंबर वन इज व्हाट इज द सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू लर्न, एंड सेकेंड वन इज हाउ द लॉ इज मेड एंड व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ। तो उसके अंदर हमने कुछ इलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी देखा हुआ था। तो काम करते, एक इलेक्शन प्रोसेस पे एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको कल का लेक्चर जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो फटाफट से उस वीडियो को देख लेते हैं और फिर हम अपने आज के क्लास की तरफ हेड करेंगे। हम में से कई लोगों को इलेक्शन के बेसिक चीज़ों की, जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए, उनकी पूरी जानकारी नहीं है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे जिस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस। पार्लियामेंट अपने इन दो हाउसेज की मदद से लॉ यानी कानून बनाता है, और लॉज पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेजिडेंट के द्वारा उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, एंड करंट लॉज एंड प्रोविजन के हिसाब से इसमें 245 मेंबर्स हैं। एंड वहीं लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, एंड करंटली इसमें 545 सीट्स हैं। तो ये सारे मेंबर्स संसद भवन यानी द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि दिल्ली में है, उसमें मीटिंग करते हैं एंड लॉज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ये मीटिंग्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है, जिनके पास इस मीटिंग को बुलाने और रद्द करने के राइट्स होते हैं। तो ये हमने समझा कि बेसिकली पार्लियामेंट होती क्या है, बट हमारा मेन फोकस है कि ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है इनका चुनाव कैसे होता है। तो इस टॉपिक से हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो बेसिकली थ्री टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, एंड इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। इस पर्पज के लिए, जैसा मैंने बताया कि करंटली 545 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स एंजेलो इंडियन कम्युनिटी को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, तो बची सिर्फ 543 सीट्स जिनके लिए वोटिंग होती है। तो इन सीट्स को हर एक स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड करके नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं, एंड हर एक स्टेट की लोकसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल, 2014 जनरल इलेक्शन में दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स थी, एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीट्स थी, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सारी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अब इन सब सीट्स के अकॉर्डिंग हर एक एरिया से उस सीट के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जो कि अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स जीत जाती है, उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मतलब 543 सीट्स में से एक पार्टी को मेजॉरिटी यानी बहुमत से जीतने के लिए 50% से ज़्यादा सीट चाहिए होती हैं, जो कि होती है 272। फॉर एग्जांपल, 2014 में बीजेपी ने लोकसभा में 282 सीट्स जीती थी, एंड एनडीए से मिलकर टोटल 363 सीट्स, जिससे उनकी पार्टी जीत गई थी। उसके बाद जो विनिंग पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये लोकसभा मेंबर्स जो मेजॉरिटी में हैं वो वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शंस अप्रैल एंड मई 2019 में होंगे। अब बात करते हैं अपर हाउस की यानी राज्यसभा की। राज्यसभा का इलेक्शन सिस्टम लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, जिसमें एमएलएज वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज इलेक्ट करते हैं, और बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कंडीशन यह है कि इन 12 लोगों को आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब ये जो आप देख रहे हो कि 12 सीटें जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो हर एक क्लास के होंगे, हर एक सेक्टर के होंगे, जैसे अपने बीच में देखा सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे, जावेद अख्तर साहब भी राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे। तो ये लोग उस पर्टिकुलर फील्ड से चुने जाते हैं, क्योंकि इन लोग ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने फील्ड की बातें राज्यसभा में रख सकते हैं। नहीं बात समझ में, जैसे कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई इश्यू है जिसको एड्रेस करना है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो उसके लिए तेंदुलकर वॉज अपॉइंटेड एज अ एमपी इन द राज्यसभा। उसको प्रेसिडेंट चुनते हैं कि कौन से एरिया के लोग आएंगे और वहां पे अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये 12 सीटें होती है जो प्रेसिडेंट साहब अपने पास उसकी पावर रखते हैं कि ये लोग वहां पे अपॉइंट हो जाएंगे। इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, ओके। इनको हम लोग आम भाषा में कोऑप्टेड मेंबर्स कहते हैं, जो बिना इलेक्शन के भी वहां पे चुन के जाते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह कोई चुनाव लड़के चुन के नहीं गए थे, उनको कोऑप्ट कराया गया था लोकसभा में, और जब उनको लोकसभा में चुना गया था एज अ मेंबर, तो फिर उनको उन्होंने क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एंड दैट वाज अ डिफरेंट सीन कि उनको क्यों अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट किया, व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय एनी द अदर पीपल, वो अलग बात है। लेकिन मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन चुन के गए नहीं है कि भैया ये कहीं इलेक्शन में खड़े थे, जीत गए और उनको हमने अपॉइंट कर दिया, नहीं, ये कोऑप्टेड मेंबर थे जिनको हमने डायरेक्टली क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आई बात समझ में, आगे। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर एंड एक्ट्रेस रेखा को 2012 में इसके अंडर नॉमिनेट किया गया था। हर एक स्टेट की राज्यसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं। एक स्टेट कितने राज्यसभा मेंबर्स भेज सकती है ये उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। हर राज्यसभा मेंबर्स 6 साल तक के कार्यकाल में रहता है, और इसमें 1/3 सीट्स के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए MLAs यानी विधानसभा के मेंबर्स STV सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। अभी जो सेशन हुआ राज्यसभा का, उसके अंदर बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर जो है वो रिटायर हो गए थे। आप अगर न्यूज पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो आप जानोगे कि बहुत सारे पार्टीज के लोग जो मेंबर थे राज्यसभा के, वो रिटायर हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज साल में 2 बारी उनकी 1/3 सीटें जो होती है वो रोटेट होकर के किसी और को अपॉइंट करा जाता है। ये STV सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है विधानसभा इलेक्शन यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा इलेक्शन मतलब एक स्टेट में विधानसभा के मेंबर्स यानी MLAs को जनता वोटिंग करके इलेक्ट करती है। लोकसभा की तरह हर एक स्टेट की विधानसभा सीट्स भी फिक्स्ड होती हैं। अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरियाज में इन MLAs की सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसके इलेक्शंस भी लोकसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शंस हुए थे। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर हर एक स्टेट के 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर विधानसभा इलेक्शंस होते रहते हैं। तो सिंपली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत जाती है, उनकी पार्टी मेजोरिटी यानी बहुमत से जीत जाती है और उस स्टेट में उनकी सरकार बन जाती है। और मेजोरिटी में इलेक्टेड MLAs अपने लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूज करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा वोट नहीं जीते तो क्या होगा। इसका एक एग्जाम्पल है 2013 में दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन, जिसमें टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें इलेक्शन के बाद बड़ी पार्टीज ने, बीजेपी ने 31 सीट जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 28 एंड कांग्रेस ने 8 सीट्स। पर जैसा यहाँ पे मेजोरिटी से जीतने के लिए 36 सीट चाहिए, तो इस वजह से बीजेपी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली प्रेफरेंस होती है कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस यानी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी पर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाए। फिर आम आदमी पार्टी को सेकंड प्रेफरेंस मिली तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके अपनी सरकार बना ली। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 50% से ज्यादा कोई पार्टी सीट्स ना जीते तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सरकार बना सकती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हो जाती हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि वोट किसको दें। 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और इस इलेक्शन में 13 करोड़ न्यू वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। 2014 इलेक्शंस में इवन आफ्टर सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज होने के बावजूद हर 3 में से 2 रजिस्टर्ड वोटर्स ने ही वोट किया था। हम सभी लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश प्रेम ऐसी चीज है, अगर मैं कहूँ हर नागरिक में है तो वो गलत नहीं होगा। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक, इट्स नॉट ओनली अवर राइट, इट्स अवर ड्यूटी टू वोट, बिकॉज हमारे वोट से ही हमारे देश के कोने कोने से अच्छे लोग चुन चुन के आएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा उठता है कि किसे वोट दें, किस बेसिस पे वोट दें। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जैसे हमने अभी समझा कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इससे हमें यह समझ में आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से लिखा हुआ है। हमारा काम सिर्फ अपने एरिया से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज से, उनके बारे में सोचना है, उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैरियर, एस्पिरेशन, मोटिव्स, पर्सनैलिटी, क्रेडिबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखना है।
बिकॉज अगर हमें अपने एरिया में काम करवाना है तो अल्टीमेटली हमारे एरिया का एमपी ही उस चीज़ को एड्रेस करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरीके से हम अपने अपने एरिया से बेस्ट पर्सन को चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में मोस्टली बेटर लोग पहुंचेंगे और बेस्ट पॉसिबल सरकार बनाएंगे। तो आखिर में वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे प्रॉमिस करता हुआ जाऊंगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मैं अपनी इंडियन सिटीजन होने की ड्यूटी जरूर निभाऊंगा, वोट देने जरूर जाऊंगा एंड आप भी जरूर जाएंगे, बिकॉज ये सिर्फ हमारा हक ही नहीं हमारी जिम्मेदारी है कि वोट दें और अपने एरिया से एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट विच विल लीड टू अ बेटर इंडिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है कि क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के बारे में समझेंगे। 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात सामने आई तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और संविधान के तीन अंग बनाए गए। इन तीनों अंगों के कुछ अपने कार्य और पावर भी दिए गए, जिनमें से पहला है हमारा लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं विधायिका। तो यहाँ पे विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना, मतलब लेजिस्लेचर का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना होता है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। दोस्तों कार्यपालिका का काम संसद में बने कानूनों को पास करना तथा एग्जीक्यूट करना होता है। और जो थर्ड है हमारा वो है जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। यदि लॉ को लागू करने में कोई दिक्कत आती है या कोई उसका उल्लंघन करता है तो इसे सॉल्व करने या फिर सजा देने का काम जुडिशरी का होता है। मतलब न्यायपालिका क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ने गलती किया उसको सॉल्व करने का काम या फिर सजा देने का काम जुडिशरी का होता है। तो दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर समझ लिए कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो लेजिस्लेचर के पास है, मतलब विधायिका के पास है, और जो कानून पास करने या लागू करने की जो शक्ति है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के पास है। और इसको जो अगर कोई ब्रेक डाउन करता है, मतलब इसमें कोई लॉ को क्षति पहुँचाता है, तो उसको पनिश करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। यहाँ पर फर्स्ट हम विधायिका की बात करते हैं जो कानून बनाने का काम करती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा हमारे यहाँ दो स्तर पर सरकार बनाया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका में कौन कौन से होते हैं और राज्य स्तर में कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको हम जरा समझ लेते हैं। जब केंद्र के विषय में विधेयक बनाने की बात आती है, मतलब जब केंद्र के विषय में कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य के विषय में जो कानून बनाने की अगर बात आती है तो वो राज्य सरकार बनाती है। मतलब राज्य सरकार का अधिकार होता है राज्य के विषय में कानून बनाना। यहाँ पर केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे सांसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे विधानमंडल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में कानून बनाने के लिए सांसद के दो सदन मतलब दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं और दूसरा अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा बोलते हैं। जब राज्य स्तर की बात करते हैं तो विधानमंडल के दो स्तर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों विधानसभा जो होता है ना वो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद कोई जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में आवश्यक हो, वो डिपेंड करता है राज्यों पे। अगर राज्य चाहे तो विधानसभा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर राज्य को विधान परिषद नहीं चाहिए तो वो विधान परिषद नहीं ले सकता है। अभी टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 राज्यों के पास विधान परिषद है, मतलब 7 राज्यों ने विधान परिषद ले रखा है। तो दोस्तों अब चलिए हम सेकंड बात कर लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में भी जो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे हमारी सरकारें होती हैं, ठीक है ना, तो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है, सबसे हेड होता है, मतलब राष्ट्रपति को पूरे देश का हेड माना जाता है। दूसरे स्थान पे आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पे आते हैं प्रधानमंत्री। एक्चुअल में प्रधानमंत्री पूरे देश का वास्तविक हेड होते हैं। राष्ट्रपति को बहुत सारे पावर दी गई हैं, बट उन पावर का जो यूज होता है ना वो प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए उनको वास्तविक हेड माना जाता है। चौथे स्थान पे आता है मंत्रिमंडल। दोस्तों मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, मतलब जो प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं।
दोस्तों सुविधा के लिए मंत्रिमंडल को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री, जिनके अलग अलग काम होते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को सांसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका होती है उनके जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति के तरह ही राज्यपाल को भी पूरे राज्य का हेड माना जाता है और जो वास्तविक हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरीके से मंत्रिपरिषद भी होते हैं राज्य में। जो राज्य स्तर पे मंत्रिपरिषद होते हैं उनका विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र में कार्यपालिका का भी सदस्य है और विधायिका के भी सदस्य हैं, विधायिका में जो लोकसभा है उनके भी सदस्य हैं, तो ये कैसे है? तो देखिए, तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, तो वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपना प्रधान चुन लेता है और प्रधानमंत्री की तरह वर्क करने लगते हैं, तो वो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। तो उसी तरीके से मंत्रिपरिषद भी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जब उनको मंत्री बना दिया जाता है तो वो एज अ कार्यपालिका के भी तरह काम करने लगते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और विधायिका में, सांसद में विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तीसरा अंग है न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। मतलब सबको सम्मान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एकीकृत है। भारत की स्वतंत्र जुडिशरी का जो अपर लेवल है, मतलब जो शीर्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका प्रधान चीफ जस्टिस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निचले स्तर पर आता है हाई कोर्ट तथा इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपना मामला तथा हाई कोर्ट से आए मामलों को सुलझाना होता है। भारत में फिलहाल 24 हाई कोर्ट हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के अरावली में देश का 25वां हाई कोर्ट बनने जा रहा है। इस तरीके से कुल जो हाई कोर्ट मिलाया जाए तो 25 हाई कोर्ट हो जाएंगे। अगर जुडिशरी तथा लेजिस्लेचर के बीच मतभेद या विवाद हो जाए तो इसका जो सुलह कराने का काम होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी विवाद होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने तीनों अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को हम अच्छे तरीके, चलिए तो कल जो हमने पढ़ा था उसको हमने 2 वीडियोस के अंदर पूरा पूरा समझ लिया है। अब आज का जो हमारा सेशन होगा, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिलेबस को। और ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या हुआ? सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर सिलेबस। और सिलेबस के अंदर पहला जो हम लोग एक्ट पढ़ेंगे अनडाउटेडली वो होगा आपका कंपनीज एक्ट 2013। बिकॉज सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला अगर कोई एक्ट है तो यही एक्ट है। बताएंगे मुझको कंपनीज एक्ट के अंदर हमको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। कल बताया था ना, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 और 379 से लेके 393A। ओके, तो कंपनीज एक्ट को शुरू करने से पहले कंपनीज एक्ट के थोड़े थोड़े बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो उन बेसिक्स को समझेंगे और डायरेक्टली फिर अपने मेन कंटेंट पे जम करेंगे। तो कंपनीज एक्ट, जैसे हमने अभी देखा कि अगर आपको कोई लॉ वगैरह पास करना है तो आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आपका एक्ट पास होगा। तब से पार्लियामेंट के अंदर आपको कौन सा एक्ट है जो पार्लियामेंट के अंदर रखा गया था और जिसको पास करा गया, तो ये भी आपके सामने जो PDF दिख रही है ये आपके कंपनीज एक्ट 2013 की वो फाइल है जो पार्लियामेंट में रख करके जिसको उन्होंने फाइनलाइज करा हुआ है। सर ये कहां पे मिल जाएगा? तो आप जाएंगे mca.gov.in पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जैसे मैंने कहा था कल कि हमारे भारत को चलाने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, उसके अंदर एक मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और उस कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर कंपनीज, LLP ये सारे जो एंटिटीज हैं गवर्न हो जाते।
तो अब कंपनीज एक्ट के अंदर जहां पर भी आप वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट देखोगे तो आपको समझना है इंप्लाइडली कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई बात समझ में? अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? तो फिनेंस मिनिस्ट्री जो उसको संभालती है वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी संभालती है। सर एक मिनिस्टर दो दो मिनिस्ट्री को संभाल सकते हैं? जी हाँ संभाल सकते हैं, क्यों नहीं संभाल सकते। और वैसे भी लेडी है तो मल्टीटास्किंग करना उसका स्वभाव है। तो निर्मला सीतारमण जी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस भी संभालती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी संभालती है। सर ये मिनिस्टर तो 5 साल के अंदर बदल जाते हैं, तो 5 साल के बाद मिनिस्ट्री को आगे चलाता कौन है? सर अगला मिनिस्टर आएगा वो संभालेगा। तो मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, हो सकता है एक कार्यकाल में एक मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री के दो या दो से ज्यादा मिनिस्टर भी हो जाए। तो मिनिस्ट्री को एक्चुअली में चलाने वाले लोग कौन होते हैं? जो उसके सेक्रेटरीज होते हैं, जो आप लोग आईएएस वगैरह यूपीएससी के एग्जाम वगैरह जो क्लियर होता है, ये लोग इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो वो लोग एक्चुअली इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सो दैट इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया वर्क्स। तो मेन आदमी जो होता है वो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री का, और वो काम जो वो मिनिस्टर को सलाहबाजी करता है और उनके हिसाब से अपना भारत चलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमण जी, उनके कंट्रोल में हम जो अभी पढ़ेंगे वो सारा कार्यकाल होगा। तो आप जाएंगे उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, ये रही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहां पे जाओगे तो आपको सारी बातें पता चल गई इस मिनिस्ट्री के बारे में। अगर आप जाएंगे एक्ट के अंदर, और एक्ट के अंदर यहां पे आपको वो सारे एक्ट दिख जाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसको संभालती। तो पहला आएगा आपका कंपनीज एक्ट 2013। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप नीचे रिडायरेक्ट हो जाएंगे कंपनीज एक्ट के वो सारे चैप्टर्स। अब ये रहे कंपनीज एक्ट के बोलो सारे चैप्टर्स। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ये चैप्टर के सारा ये चैप्टर का सारा जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके एक काम कर दे हम लोग कंपनीज एक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, जिस पीडीएफ में आपको सारी बातें मिल जाएगी। तो ये रहा आपका पीडीएफ। अगेन हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट को रेफर करना होगा बार बार। तो वहां पे जाएंगे तो एडिशनल बातें आपको पता चलेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे हमको करना क्या है। तो ये रहा आपका पीडीएफ कंपनीज एक्ट 2013 का। मैंने कहा लास्ट सेक्शन नंबर क्या है 470, और कितने चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है? तो ये रहा आपका चैप्टर। ये कोई आइडेंटिफाई करके बताएगा कि ये नंबर क्या है? ये 29, वेरी गुड। तो कुल मिला के कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स है और 7 स्केड्यूल है। कितने स्केड्यूल? तो कंपनीज एक्ट के नेचर को समझना है तो टोटल या फिर लास्ट सेक्शन नंबर है 470। इन अवे इंटरचेंजेबल हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 और कुल मिला के 29 चैप्टर्स और 7 स्केड्यूल्स। सर सेक्शन तो समझ गए, चैप्टर क्या होता है? अब कंपनीज एक्ट को मैं ऐसे लिख दूंगा जैसे कहानी की तरह लिख दूंगा तो आपको समझेगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? उसको चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, उस चैप्टर में वो लिखा हुआ है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 किस बारे में बात कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल दैट टू। मतलब चैप्टर 2 में मैं उन बातों को लिखूंगा जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के रिलेटेड हो। सही बात है। जैसे आगे चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का। मतलब इस चैप्टर के अंदर मुझको शेयर कैपिटल और डिबेंचर के बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ूंगा बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे। एक चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखेंगे कंपनीज के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह भी होती है, तो वो मीटिंग्स होती कैसी है? तो वो सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 7 में बताई जाएगी। आपने प्रोबेबली एनुअल जनरल मीटिंग है ना, तो इसके बारे में वगैरह सुना होगा। तो ये मीटिंग्स होती कैसी है, कहां पे कंडक्ट होती है,
कैसे कंडक्ट होती है, तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। तो हर एक चैप्टर के अंदर जो सेक्शन नंबर का कलेक्शन करा हुआ है वो सारा कलेक्शन उस चैप्टर के उस प्रोविजन के रिलेटेड होता है। आप मैनेजमेंट के चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजन नहीं पढ़ोगे। तो फॉर दी पर्पज ऑफ सेफ रीडिंग, कॉन्क्रीट रीडिंग, हमने पूरे सेक्शंस को बंच में, कलेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है और उस हर एक बंच को, हर एक कलेक्शन को हम लोग चैप्टर कहते हैं। तो ऐसे 29 चैप्टर्स आपको कंपनीज एक्ट में देखने को मिल जाएंगे, 7 स्केड्यूल देखने को मिल जाएंगे और टोटल सेक्शन 470। हमको 470 पढ़ना है नहीं, 148 से लेके 379 393 ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते और कुछ बेसिक बातें करेंगे। हाँ बेटा, वाई क्यों कहा जा रहे बेटा? ओके जाओ। तो ये रहा कंपनीज एक्ट 2013। फ्रेंड्स, इसके नीचे आपको कुछ दिख रहा है। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? इट्स एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? कंपनीज एक्ट 2013 और उसके नीचे कुछ लिखा है एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। एनीवन? वेरी गुड। तो एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013 का मतलब होता है कि 2013 में ये 18th नंबर का एक्ट पास हुआ है। इसका मतलब कुछ 17th नंबर का भी होगा, 19th नंबर का भी होगा, 20th भी हो सकता है। तो जो सीरियली नंबर, सीरियली जो एक्ट पास हुआ है उसमें से 18th नंबर का एक्ट जो है वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? सो इस नंबर को हम लोग बाकी एक्ट्स के अंदर रेफर कर सकते हैं। सर कैसे? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस हमको किसी और दूसरे एक्ट में लिखना है, जैसे कि जाओ जाके कंपनीज एक्ट पढ़ो, तो हम लिखेंगे वहां पे क्या कि फॉर दिस यू हैव टू रेफर कंपनीज एक्ट 2013। तो इंस्टेड ऑफ दैट दे विल राइट डाउन दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन रेफर 18 ऑफ 2013। क्या लिखेंगे? 18 ऑफ 2013, बस यही लिखेंगे। अब जो भी लॉ पढ़ रहा है उसने यह समझ लेना है कि लॉ मेकर इस ड्राफ्ट में हमको 2013 का 18th नंबर का एक्ट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो हमको जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि 2013 में 18 नंबर का एक्ट कौन सा था। तो वो कंपनीज एक्ट है, उसको ले लो और उसको पढ़ लो। आई बात समझ में? तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी ऐसी बहुत सारी प्रोविजन है जिसके अंदर आपको दिख जाएगा नंबर और उस एक्ट का ईयर। तो आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर ईयर में उस नंबर का एक्ट जाकर के पढ़ना होगा। आई बात समझ में? सर ऐसे क्यों लिखते हैं? नाम भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो अगेन, जैसे मैंने कल आपको बताया क्या कि अननेसेसरी टेक्स्ट को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। जितना कम टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे उतना वो ज्यादा कॉन्क्रीट होते जाएगा और उसका लेंथ भी कम होगा। अगर हम लोग अननेसेसरी लिखते बैठे तो हमारा टेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण लॉ को पढ़ने में टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग जितना कोशिश करें उतना कम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। आप लॉ की लैंग्वेज को भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर ये तो नॉर्मली भी लिखा जा सकता था, उसको इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया है। कंफ्यूज करने का मतलब है वो एक ही लाइन में 2-3 सिनारियोस को कवर करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 2-3 सिनारियोस। तो ये रहा आपका एक्ट नंबर 18 ऑफ, क्या बोलो, 2013, जो उस एक्ट के नीचे दिया गया है। आप किसी भी एक्ट को खोल करके पढ़ोगे तो आपको उसके नीचे उसका नंबर दिख जाएगा। तो ये है पहली बात जो आपने यहां से पढ़ ली। दूसरी बात, व्हाट इज दिस डेट ऑल अबाउट? 29th ऑफ अगस्त 2013। तो ये वो डेट है जिस डेट पे आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो चुका है। यही वो डेट है जिस दिन पे प्रेसिडेंट साहब इसको साइन कर चुके हैं। सर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, जिस दिन पे बिल एक्ट बना और आपके ऊपर वो एक्ट लागू होने का डेट, अलग अलग हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि मान लो हमने 1 जनवरी 2024 को प्रेसिडेंट साहब से साइन करवाया
और 1 फरवरी 2024 से हम इसको लागू करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है, बस ये डेट हमको कहां लिखना होगा, ऑफिशियल गैजेटी में लिखना होगा कि भैया ये बिल एक्ट बन चुका है 1 जनवरी को, लेकिन आपके ऊपर लागू होगा 1 फरवरी से। अगर ऐसा कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, जो जिस दिन प्रेसिडेंस आपने साइन करा उसी दिन पे आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट आपके ऊपर लागू कब हुआ है, 29 अगस्त 2013, ये डेट याद रखना। इसलिए एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2009। तो ये सेकेंड थिंग जो आपको लॉ को पढ़ने में बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि ये नंबर क्या होता है और वो डेट क्या होता है। नीचे कुछ वर्डिंग वर्डिंग आपको दिख रहा है, हम एक साथ पढ़े उसको, चलो 1 2 3 साथ पढ़ेंगे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, बी इट एनैक्टमेंट बाय पार्लियामेंट इन द 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं इस एक्ट का प्रीएम्बल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीएम्बल होता है, प्रस्तावना जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये इस एक्ट का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है, एन एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जो कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट मतलब जोड़ के रखता है, अमेंड करता है, अमेंड मतलब टाइम टू टाइम हम उसके अंदर चेंजेस करते जाएंगे। कौन से लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 बनाने का मकसद क्या है, टू कंसोलिडेट। वाई टू कंसोलिडेट, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी कुछ कंपनीज एक्ट रहेंगे, या कंपनीज एक्ट 2013 ये पहला ही एक्ट है जो कंपनीज को गवर्न करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, इसके पहले भी बहुत सारे एक्ट थे। तो हम कंपनीज एक्ट 2013 में पुराने कंपनीज एक्ट को कंसोलिडेट करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर नया बना दिया, कुछ बातें पुरानी भी एक्ट के भी हमने डाली है ना इसके अंदर, ऐसा नहीं सारा पुराना नया एक्ट बना दिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जितने भी कंपनीज एक्ट थे उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये एक्ट बनाया हुआ है, और साथ में टाइम टू टाइम जब भी हमको लॉ को अमेंड करने की गरज हो हम इसी एक्ट को अमेंड करते जाएंगे, इसके लिए कोई नया लॉ नहीं बनाएंगे, ये हमने एक्ट के अंदर ही लिख दिया। तो एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू व्हाट, तो ये एक्ट जो पढ़ेंगे वो खाली किस पे अप्लाई होगा, ओनली ऑन द कंपनीज, किसी LLP पे नहीं अप्लाई होगा, किसी पार्टनरशिप पे अप्लाई नहीं होगा, और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होगा, किसी पे नहीं होगा, ओनली ऑन द कंपनीज, क्लियर है? एंड देन आपका एक्चुअली में एक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। बात समझे सर, इसके अंदर हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो सेक्शन 1 से लेके 148 तक आपके चैप्टर नंबर 10 की कहानी खत्म होती है। जो नए से सेक्शन ऐड किए हुए 379 एंड 393 है वो ये वाला चैप्टर, कौन सा, चैप्टर नंबर 22, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो 10 चैप्टर और ये एक चैप्टर, यानी कि कुल मिला के 11 चैप्टर आपको CA इंटर लेवल पे पढ़ना है। अब वो कौन कौन से चैप्टर है सर, देखिए पहला चैप्टर आपके सामने, दैट इज अ प्रिलिमिनरी चैप्टर, इसके अंदर बस दो ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो प्रिलिमिनरी चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कंपनीज एक्ट के बेसिक्स, यानी कौन से डेट पे ये एक्ट आया, कहां कहां पे एप्लीकेबल है, और इस एक्ट को जब आप आगे पढ़ोगे उसके अंदर कुछ टर्म्स होंगे, इन टर्म्स का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। 95% या मैं कहूंगा 99% एक्ट्स के अंदर आपको पहला चैप्टर सेक्शन 1 एंड 2 दिखेगा, जिसके अंदर पहला सेक्शन एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन वाला ही होगा। हाँ, कुछ ऐसे एक्ट्स है जिसके अंदर डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर दिए हुए, लेकिन यहां पर सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशन दिख जाएंगे, और मोरएवर सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन होती है। सर, अगर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए तो जनरल क्लॉजेस एक्ट को पढ़ने का क्या मतलब है, बिकॉज मैंने कल आपको बताया था कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी डेफिनेशंस होते हैं, तो यहां पे डेफिनेशन दिए है ना, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाने की क्या गरज है। सर, जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं होती है उसको रेफर करने के लिए हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाना होगा। आई बात समझ में, कुछ टर्म्स ऐसी होगी जिसका मतलब हम ही आपको बताएंगे, कंपनीज एक्ट कहता है मैं ही आपको बताऊंगा, इसका मतलब आप यही समझिएगा व्हाइल रीडिंग द कंपनीज एक्ट।
लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होगी जिसको मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, जिसको जाकर के आपको जनरल क्लॉज एक्ट से उठाना है। आई बात समझ में? तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, जिसमें नाम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, एंड सेक्शन नंबर टू दैट इज डेफिनेशंस, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, कंपनी का मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर नंबर दो के अंदर, इस सेक्शन नंबर दो के अंदर आपको सिखाई जाएगी। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका चैप्टर वन, दैट इज क्या बोलो, दैट इज क्या बोलो, थोड़ा स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर टू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। अब कंपनी का मतलब तो समझ गए आप लोग, अभी कंपनी बनाना कैसा है वो भी तो सीखे। तो चैप्टर दो के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल दैट टू, उसके रिलेटेड कौन कौन से मैटर्स होते हैं। अब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने आते तो कहां पे जाओगे, आरओसी के पास जाओगे, है कि नहीं? तो ये आरओसी कौन होगा, आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, अरे उसके पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो क्या रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ओपीसी बनानी है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें चैप्टर दो के अंदर पढ़ाई जाएगी। फाउंडेशन पे हमने इसकी कुछ झलक पड़ी हुई है, जैसे कि ओपीसी में नॉमिनी होना है ना, उस नॉमिनी को कैसे अपॉइंट करते हैं, क्या वो रेसिडेंट हो सकता है कि नॉन रेसिडेंट होगा, इंडियन सिटीजन होगा कि नहीं होगा, एक नॉमिनी मर गया तो दूसरा नॉमिनी कब आएगा। तो ये सारी बातें चैप्टर दो के अंदर पढ़ाई जाएगी। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके रिलेटेड बातें कौन कौन सी आपको जाननी है। तो पहला प्रिलिमिनरी चैप्टर, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाला चैप्टर। तो दूसरी बार आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बारे में सिखा रहे हैं। अब तीसरा देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई ना, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना कंपनी को चलाने के लिए, कि हवा पे कंपनी चलती है क्या। तो तीसरा आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है वो समझना है, सॉरी तीसरा आपको कंपनी के लिए पैसा कैसे बनाना है वो समझना है। तो तीसरा चैप्टर देखिए क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, बाय व्हाट प्रोसीजर यू विल अलॉट योर शेयर्स। शेयर कैपिटल जानते हो ना, शेयर मार्केट में डील करते हो नहीं करते हो, कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में ना, शेयर में पैसा लगाते वगैरह। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर नंबर्स, नॉट इवन सिंगल पर्सन फ्रॉम गर्ल्स। शेयर मार्केट में तो डूबता ही है, लड़कियों के दिमाग में एक दिमाग है, शेयर मार्केट में तो पैसा डूबेगा, 100% डूबेगा सर, वो सट्टेबाजी होती है सर, उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। चलो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जैसे हम लोग सिलेबस में आगे आगे बढ़ेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से होता है। बॉयज, मैं बड़ा शौक हो गया कि बहुत से लोग जो है वो शेयर मार्केट में डील नहीं करते। नहीं सर, हम लोग कई और जगह पे पैसा लगाते हैं, वहाँ से और इनकम आ जाता है, कोई चिंता नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट में नहीं जाना है, नॉलेज गेनिंग के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। क्यों? बिकॉज जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप उस कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, ये कंपनी है क्या, क्या करती है, तो हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिकल इनसाइट से मिल जाए, ये कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कौन है, इस कंपनी का सीईओ कौन है, इस कंपनी की एजम कब होने वाली है, ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कब करती है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये एक्स डिविडेंड क्या होता है, ये एक्स शेयर क्या होता है, ये एक्स राइट क्या होता है। तो ये इनसाइट जो होते हैं ना, वो आपके पैसे अगर उसमें लगे तो आप उस बारे में दिलचस्पी लोगे, एंड देन यू विल ट्राई टू इवन देन यू विल गेन द इनसाइट्स, द प्रैक्टिकल इनसाइट्स ऑफ द कंपनी। तो जो इंट्रिकेसीज होती है वो आप इसी से हासिल कर पाओगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, तो डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, थोड़ा अपने पास क्या लाख रुपए होने की गरज नहीं है, हमारे पास हजार रुपए वगैरह भी होंगे तो वो भी हम लोग छोटे छोटे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको ट्रैक करते बैठ सकते हैं, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे बंदे का दिमाग तो जाएगा, है कि नहीं, पक्का। तो ये तो बात करेंगे कि ये कंपनी शेयर्स इशू कैसे करती है। आईपीओ के बारे में जानते हो, क्या होता है आईपीओ? वेरी गुड। और एफपीओ क्या होता है, मतलब कंपनी की जिंदगी में जो पहली बार होता है, हाँ उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं एफपीओ, दैट इज अ फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सर ये आईपीओ लाने का प्रोसीजर क्या है, रुको जरा, चैप्टर तीन वही बात कर रहा है कि हाउ द कंपनी विल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, किस प्रकार से कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करेगी, चैप्टर नंबर तीन। तो पहले कंपनी क्या है वो जाना,
फिर दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करना है वो जाना, अब कंपनी बन चुकी है तो पैसा कैसे आएगा, हाउ द कंपनी विल गो एंड विल इश्यू द शेयर्स सिक्योरिटीज, चैप्टर नंबर 3। सर इस प्रोसीजर से मैं कितने प्रकार के सिक्योरिटी इश्यू कर सकता हूं, तो चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, कितने प्रकार के शेयर्स इस दुनिया में है, कितने प्रकार के डिबेंचर्स इस दुनिया में है, यह हमको चैप्टर 4 सिखाएगा। कंपनी क्या है, कंपनी के इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, कंपनी शेयर्स इश्यू कैसे करती है, और ये शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ये क्या होता है, तो ये सारी बातें चैप्टर 4 में सिखाई जाएगी। कंपनी क्या है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, कंपनी सिक्योरिटी इश्यू कैसे अलॉट कैसे करेगी, और कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यू करेगी अलॉट करेगी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट भी एक प्रकार की क्या है बोलो, सिक्योरिटी ही है। सर डिपॉजिट्स हमने बैंक में डिपॉजिट सुना है, सर बैंक में एफडी है कि नहीं, एफडी है कि नहीं, मतलब हम लोग तो एफडी थोड़ी ना बोलते हैं, अगर मान लो एक एफडी है तो क्या बोलेंगे, और दो एफडी है तो वी डोंट कॉल इट द एफडीज, वी कॉल इट, तीन है तो एफडीआई बोलते ना कि हमारे बैंक में बहुत सारे एफडीआई है। अभी ये वर्ड कहां से आया मुझको पता नहीं, मतलब कौन सी भाषा का सोर्स है ये कि एफडीआई, पता नहीं मुझको। तो सर हम लोग जैसे बैंक में एफडी रख सकते हैं, वैसे क्या कंपनी में भी एफडी रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं? जी हाँ जरूर रख सकते हैं। सर बताओ ना ऐसी कौन सी कंपनी है आपके घर में रहेगा, तेरा हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड फिक्स डिपॉजिट स्कीम, कंपनी में एफडी रखती, बताओ इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में कितना मिलता है ब्याज आपको, कौन सा बैंक है भाई, सदाबंद बैंक नाम है क्या उसका, कि बैंक ऑफ दरोड़ा, 10% का बोल रहे भाई। बैंक में यूजुअली आपको कितने प्रकार, कितना इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी पे, 4% 5%, अरे 6% मतलब डोके और ना पानी, कितना मिलता है, 9%, 6-7 महीने का, अच्छा मतलब शॉर्ट टर्म का एकदम 6-7% मिलता है, अच्छा हाँ मतलब मैक्सिमम 6-6.5-7, वो भी सीनियर सिटीजन होगा तो 0.5 एक्स्ट्रा वगैरह ऐसा कुछ होता, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो रिस्क भी तो ज्यादा है, तो अगर आप पैसे सिक्योर, यहाँ पे बैंक डूब जाता है भाई तो बैंक में पैसा रखना मुश्किल हो चुका है आजकल, नेशनल बैंक में रखेंगे SBI वगैरह जिसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, तो वहां पे रखेंगे तो वहां पे आपको 4% 5% मैक्सिमम मिल जाएगा। लेकिन सर उससे ज्यादा कमाना है तो है ना आपके पास, ऐसी कंपनीज है जो आपके डिपॉजिट के स्कीम लॉन्च करती है, तो अगर आप 36 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 8% पर एनम कंपाउंडिंग लोगे तो लगभग 8.5% का मिल जाएगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है सर, फाउंडेशन पे मैथ्स सीखे हो ना, उसमें कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 8%, आज मैंने 100 रुपये लगाए तो अगले साल 108 हो जाएंगे, तो 108 मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा तो 108 पे 8% मिलेंगे, तो और कुछ मिलेगा, उसको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये डाउट अगर मन में आ रहे तो आपने करना क्या है, वेरी गुड, तो 8% पर एनम के हिसाब से 3 सालों के लिए रखोगे तो आपको 8.3 का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फिक्स डिपॉजिट हॉकिंस कुकर। 12 महीने का रखोगे तो 7.5% नीचे को क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ, ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है डिपॉजिट के चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो पैसों की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए डिपॉजिट्स भी इशू करता है, तो शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, साथ साथ डिपॉजिट्स भी इशू कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, कंपनी का मतलब क्या होता है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करता है, फिर कैसे सिक्योरिटी इशू करेंगे, अब कौन कौन सी सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, एंड 5th इज द डिपॉजिट्स जो मैंने आपको दिखा था। डिपॉजिट के चैप्टर में और भी कंपनीज के एग्जांपल देखेंगे जहां पे वो कंपनीज डिपॉजिट इशू करते हैं, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये तो गए सिक्योरिटी इशू करके कंपनी ने पैसे उठाए हैं, अब क्या कंपनी लोन भी ले सकती है, जैसे आप लोन लेते हो वैसे कंपनी भी लोन ले सकती है। अब सारी बातें तो शेयर होल्डर के पैसों से पूरी नहीं होती है, हमको कभी कभी लोन भी लेना होता है, तो ये लोन लेने के लिए कंपनी क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी, बोली बैंक मुझको क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो जैसे ही कंपनी बैंक के पास चलेगी मेरे को लोन चाहिए, बैंक क्या बिना सिक्योरिटी का कर्जा दे देगी, नहीं भैया सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो बैंक बोलेगी एक काम करो, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी, आप हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग जो है हमको
एज अ सिक्योरिटी दे दो। तो जैसे ही बैंक ने लोन लिया, अपनी सिक्योरिटी, अपनी असेट की सिक्योरिटी बैंक को दे दी, तो बैंक क्या करेगी, उस असेट के ऊपर अपनी सिक्योरिटी रजिस्टर करेगी। जैसे आपने मान लो होम लोन लिया, तो आपके घर पे बैंक की सिक्योरिटी आ जाती है। आपने कोई कार ले ली, उसके लिए लोन लिया बैंक से, तो उस कार के ऊपर बैंक की सिक्योरिटी आ जाती है। अगर आपने लोन रिपे नहीं करा तो आपकी कार बैंक उठा के लेके जाएगी। आपने अगर घर का ईएमआई नहीं भरा तो घर बेचने का अधिकार बैंक के पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी क्रिएट होना बैंक के नाम पे, जिसको हम लोग आसान भाषा में गिरवी रखना कहते हैं, है ना। तो अगर हम लोग अपनी असेट को गिरवी रखते हैं बैंक के पास, तो बैंक हमारे असेट पे सिक्योरिटी तैयार कर लेते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी तैयार हुई है ना हमारे असेट के ऊपर, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका नोटिस आपको गवर्नमेंट को देना होगा। देखिए सिक्योरिटी तैयार करना एक अलग बात है, और ये सिक्योरिटी बन चुकी है, इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना अलग बात है। इस चैप्टर के अंदर आपको गवर्नमेंट को आप किस प्रकार से बताओगे, गवर्नमेंट मतलब कौन, कंपनीज एक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या होता है, अरे एमसी होता है ना, आरओसी होता है ना। तो हमने आरओसी को बताना कि हे आरओसी, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से इतना इतना लोन उठाया है और उसके लिए मैंने अपनी ये सिक्योरिटी असेट करके दिया है, प्लीज इसकी नोट आपके रिकॉर्ड्स में करवाइएगा, इसका एप्लीकेशन देना होगा। ये बातें आपको पढ़ाई जाएगी चैप्टर नंबर 6 के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो पहला कंपनी क्या है, दूसरा इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, तीसरा सिक्योरिटी कैसे इशू करते हैं, अलॉट कैसे करते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, और एक सोर्स आएगा फंड का, वो आएगा लोन। और लोन लेने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, असेट सिक्योरिटी देना पड़ेगा। उस सिक्योरिटी ऑफ असेट को चार्ज कहते हैं, इस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, नेक्स्ट वन, अब देखो पैसा आ गया है, अब पैसे को इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक से, है ना। तो कंपनी को चलाना पड़ेगा, तो कंपनी को चलाएंगे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हाउ द कंपनी इज टू बी एडमिनिस्टर्ड, हाउ द कंपनी शुड बी मैनेज्ड, कौन लोग होंगे जो कंपनी को चलाएंगे, कुछ बातें ऐसी होगी जहां पे हम डायरेक्टर्स खुद डिसीजन ले लेंगे, कुछ बातें ऐसी होगी जहां पे डायरेक्टर्स को मेंबर्स के अप्रूवल की गरज है, तो वो कौन कौन से मैटर है, जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर वन कंपनी का मतलब क्या है, दूसरा उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, तीसरा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कैसे करते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, चार्जेस, दैट इज लोन यानी कि चार्जेस। देन पैसा आ गया ना, अभी क्या करेंगे उसको, अब पैसा आ गया, कंपनी को मैनेज भी करा, कंपनी का ऑपरेशन भी मैनेज करे, तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अब प्रॉफिट कमाएगी तो मेंबर्स क्या मांगेंगे, तो डिविडेंड कैसे पे करते। अच्छा, एक छोटे सवाल का जवाब दे दो, मान लो एक कंपनी है, अरे मान लो कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट्स लिमिटेड। ओके, इस कंपनी के फिनेंशियल ईयर 23-24 के फिनेंशियल स्टेटमेंट आ चुके हैं मान लो, और उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करा हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार डायरेक्टर्स के पास होगा ना, डायरेक्टर्स मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि 10% का डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं सब पे, यानी कि जिस किसी का भी 1000 का इन्वेस्टमेंट है उसको 100 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, सही बात है। अब ये बातें कंपनी के एजीएम में आ जाएगी, अब एजीएम में मेंबर देखेंगे, अरे डायरेक्टर कितना डिविडेंड दिए बे, तो बोले 10% दिया। अच्छा 10%, नहीं 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 हमको 20% चाहिए। मेंबर हो ना, मीटिंग में आ गए, मान लो मैं मान डायरेक्टर हूं, मैंने बोला क्या 10%, आपने बोला अच्छा 20%, क्या मेंबर ऐसा कर सकते हैं, क्या मेंबर डिविडेंड के रेट को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, क्यों। अच्छा चलो इसको कम कर सकते हैं, मेंबर बोलेंगे अरे यार बहुत हो गया डिविडेंड, हाँ काम करो कम करो, थोड़ा पैसा कंपनी में वापस रीइन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ, कम कर सकते हैं,
आप मेंबर कम करोगे डिविडेंड को, करेंगे नहीं लेकिन कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मालिक तो मेंबर है ना। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं ना। चलो उनको ही आप पैसा नहीं दे रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो, ये क्या बात बन गई भाई? बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते वो बता। 10% का 20% कर सकते नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? डायरेक्टर्स कम करेंगे? मैं मेंबर की बात करूं, गुड मॉर्निंग। सवाल ये है प्रेम बेटा, 10% का डिविडेंड डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर करा है, मेंबर बोलते हैं कि नहीं भैया हमको 20% चाहिए, ये मेंबर कर सकते कि नहीं कर सकते? आप कह रहे हो कि सर स्पेसिफाइड मेजोरिटी आ गई तो वो बढ़ा सकते हैं नंबर, अरे श्योर 51% होना चाहिए तो वो बढ़ा सकते हैं, अरे श्योर? बिल्कुल भद्दा आंसर है। यहां पे 20% रेट बढ़ा नहीं सकते, 10% रख सकते या फिर उससे कम कर सकते हैं। और कौन कौन सी बातें डिविडेंड के बारे में बताओ सर, रुको जरा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको पता चल जाएगा कि डिविडेंड के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो हमको पढ़नी है। वापस एक बार, पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या पढ़ेंगे सिक्योरिटीज कैसे अलॉट होती है नंबर, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फिर डिपॉजिट्स, देन चार्जेस, लोन, लोन यानी कि चार्जेस बनाएंगे, फिर पैसा आ गया अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, फिर पैसा आ गया मैनेज भी किया, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, फिर क्या देंगे। अच्छा ये पैसा ठीक से बना है कि नहीं बना है, कितना प्रॉफिट आया है, कितना डिविडेंड देना है, उसके लिए हमको क्या प्रिपेयर करने होंगे, कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे ना, अकाउंटिंग के अंदर क्या पढ़ोगे, अकाउंट्स के अंदर अकाउंट पढ़ोगे, और लॉ के अंदर क्या पढ़ोगे, वापस अकाउंट पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 9 दैट इज द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के खाते कैसे प्रिपेयर होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के ऐसे बनेंगे जैसे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपने बनाया, कौन से स्केड्यूल में बनाते हैं, कौन से फॉर्मेट में बनाते हैं, वो फॉर्मेट आपको कंपनीज एक्ट बताएगा। स्केड्यूल 3 के अंदर जो 7 स्केड्यूल है ना, उसके अंदर एक स्केड्यूल आता है स्केड्यूल नंबर 3, जिसके अंदर आपको कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट दिया गया है, मतलब अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग करते हैं वो लॉ आपको करने के लिए बोलते हैं कि इस फॉर्मेट में ही कंपनी के फाइनेंस स्टेटमेंट बनेंगे और किसी फॉर्मेट में हम फाइनेंस स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में? तो चैप्टर नंबर 9 में कंपनी के अकाउंट्स खाते कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाएगा। अब ये खाते ठीक से बने कि नहीं बने उसको चेक करने के लिए कोई तो होगा ना, है कि नहीं? तो वो कौन है, ऑडिटर। अब कंपनी के खातों का ऑडिट कैसे होता है सर? सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सर कितना फीस मिलता है ऑडिटर बनने के बाद, सर ऑडिटर को ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, सर हमको एक बार अपॉइंट कर लिया तो हमको निकाल भी दिया जा सकता है, मतलब हमको रिमूव करा जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ऑडिट एंड ऑडिट एंड। आई बात समझ में? तो ये 10 चैप्टर पढ़ने सिंपल है ना, तो पहले क्या पढ़ेंगे कंपनी का मतलब क्या है, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट एंड ऑडिट। और लास्ट वाला चैप्टर कौन सा, 11th वाला, मतलब नॉट सीरियली 11th, हमारे सिलेबस में 11th, वो क्या है, कहा गया यस, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दे, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा समय इन्वेस्ट करना बनता है। दो कंपनी के नाम बता रहा हूं, बता रहे हैं कौन सी कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और किसके ऊपर कंपनी का अप्लाई होगा। वैसे सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे उसके अंदर भी थोड़ी चर्चा होगी, सेक्शन 220 के अंदर भी चर्चा होगी, लेकिन अभी इस चैप्टर के नेचर को समझाने के लिए ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, सब रेडी? चलिए आप मुझको बताएंगे, मैंने बात करी टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी कहां बनी है, यूएसए में बनी है, आई बात समझ में? एक दूसरी कंपनी है नोकिया जो फिनलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, फिनलैंड के नाम की कंट्री है वहां पे, दोनों कंपनीज इंडिया के बाहर बनी है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है ना, दोनों भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया,
लेकिन दोनों में एक फर्क है, क्या फर्क है कोई स्पॉट करेगा? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है सर, स्पेलिंग अलग है सर। नहीं इस कंपनी का इंडिया में ऑपरेशन है, बताएंगे टेस्ला का इंडिया में कोई ऑपरेशन है? टेस्ला क्या इंडिया में के कार बेचती है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है? नहीं। तो इसका कोई भी ऑपरेशन इंडिया में? तो आप मुझको बताएंगे दोनों में से फॉरेन कंपनी कौन सी है? इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया क्या मैंने? अब बेटा क्यों, इंडिया में ऑपरेशन है तो फॉरेन कंपनी हो गई? ये तो अजीब गरीब सीन है फिर, मतलब इंडिया के बाहर है, इंडिया में ऑपरेशन है तो फॉरेन कंपनी होगी, तो इसको क्या मैं इंडियन कंपनी बोलूं? ऐसा नहीं होता है क्या? बहुत कंफ्यूजन है। इसको मैं फॉरेन कंपनी बोलता हूं क्यों? बिकॉज फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा है? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और हैविंग, उसको क्या कहते हैं? तो फॉरेन कंपनी पे पूरा कंपनी सेट अप्लाई करवाएंगे क्या? क्यों क्यों, लेकिन क्यों? क्योंकि वो इंडिया में बनी नहीं ना। अरे भैया सेक्शन 220 में हमको कंपनी का डेफिनेशन जो पढ़ना है वो कहता है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब वो कंपनी है इंडिया के कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी है। 470 सेक्शन में जहां जहां पे वर्ड कंपनी 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 आएगा आप समझेंगे ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी, यानी कि 2013 के एक्ट में बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, वो हमारे लिए कंपनी है। जैसे अभी अपने अकाउंट्स वाला चैप्टर देखा, चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर सेक्शन 128 या सेक्शन 129 कहता है दैट एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर और हैज टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द आरओई, मतलब आरओसी। एवरी कंपनी हैज टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, तो एवरी कंपनी का मतलब क्या होता है? तो आप मुझको बताओ इस कंपनी में मैं ये फिनलैंड वाली कंपनी ले लूं नोकिया, कि भैया नोकिया जिसको सबने नोकिया नोकिया क्या 129 को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? अच्छा चलो मैं बात करूं जियो लिमिटेड बताएंगे क्या जियो लिमिटेड को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करना जरूरी है? जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि वो कंपनी है सर, क्योंकि वो कंपनी है सर। नोकिया भी कंपनी है लेकिन मेरे कंपनी एक्ट के अंदर नहीं बनी है ना, मैं किसको कंपनी कहता हूं? जो 220 के हिसाब से कंपनी है, और 220 क्या कहता है कि ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है वो मेरे लिए कंपनी है। क्या फिनलैंड इस एक्ट के अंदर बनी है? क्या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है? तो वो मेरे लिए कंपनी। तो इसको 129 फॉलो करने की कोई गरज नहीं, उसको कंपनीज एक्ट ही फॉलो करने की गरज नहीं है बेसिकली, ना ना टेस्ला को और ना नोकिया को इंडियन कंपनी तक फॉलो करने की गरज नहीं है। लेकिन भैया जी नोकिया इंडिया में क्या ऑपरेशन करती है? इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो इंडिया में बिजनेस करती है, तो क्या उसको थोड़े बहुत कायदे कानून फॉलो करने होंगे? नहीं होंगे। जैसे आप किसी के घर पे जाते हो एज ए रिलेटिव, जाते नहीं जाते हो? कोई कार्यक्रम है या फिर ऐसे ही खाने पे बुला लिया आपको, है ना? तो मान लो आप, क्या आप उनके घर के थोड़े कायदे कानून फॉलो करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, आपने जरूर करने चाहिए। जैसे सामने खाना आ गया एकदम हक करके पड़ गए, ऐसे करते हो क्या? वैसे बचपन में आपने ऐसा बहुत करा हुआ है कि नहीं? तो मान लो सामने ऐसे कुछ खाने के लिए जैसे स्वीट्स रख दिए, कोई नमकीन रख दिया, तो जैसे आ गया तो आप यू ट्राई टू
ग्रैब इट, तो मम्मी को चल, तो आंटी जी बोलती काकू वगैरह देने असु दे खाओ दे ना? तो मम्मी क्या बोलती है, बोलती है चला आता चाह बिस्किट खाऊ ना ले, तो बोलती कदी है ना, बोले मम्मी तू तो मना ले होतीस ना खोटं बोलायचं नसतं म्हणून, बिस्किटाचं पॅकेट महिना बघितलेलं नाही आहे आणि मम्मी म्हणते आत्ताच बिस्किट खाऊन आलाय। उनके घर के कायदे कानून थोड़े फॉलो करने होंगे, नहीं होंगे आपको, तो वैसे ही अगर वो हमारे घर पे आ रहे हैं इधर इंडिया में बिजनेस करेंगे तो अपने थोड़े बहुत कायदे कानून उनको फॉलो करने के लिए बोलेंगे ना, तो वो बाकी कंपनी तक फॉलो नहीं करेंगे लेकिन एक ही चैप्टर फॉलो करेंगे, वो का चैप्टर 22, वो हमको यहां पे पढ़ना जो सीए फाइनल में पहले था, अभी इंटर में पढ़ना है कि आज नोकिया को कौन कौन से कायदे कंपनीज एक्ट के अंदर के प्रोविजन फॉलो करने हैं, वो चैप्टर 22 के अंदर बताया है। क्या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को देने पड़ेंगे, क्या उनको एजीएम लेनी पड़ेगी इंडिया में, क्या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिया का कोई पर्सन होना चाहिए, क्या वो इंडिया में पैसे कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन है इसका आंसर देना पड़ेगा ना। अच्छा टेस्ला को चैप्टर 22 अप्लाई करेगा क्या, क्यों? अरे वो अपने घर पे आए ही नहीं, तो तुम जिस रेडियो के घर पे नहीं जाते हो उसके रूल फॉलो करते हो, कैसे मन? तो टेस्ला को हमारा कंपनी से अप्लाई करने का कोई सीन ही नहीं बनता है भाई। वो बोलेगा ना मैं तुम्हारे घर पे आया हूं, ना मेरे आने की कोई इच्छा है, तो तुम अपना एक्ट हमारे ऊपर लागू क्यों कर रहे हो? तो जो इंडियन जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, जो इसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके ऊपर चैप्टर 22 के प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। उसके अंदर ऐसी बातें बताई है जो उस कंपनी ने फॉलो करनी है, बाकी कोई प्रोविजन उसको फॉलो करने की गरज नहीं है। चैप्टर 22 आपके लिए, आई बात समझ में? तो ये रहा नेचर ऑफ योर सिलेबस की जो आपको पढ़ना है। बाकी सर डायरेक्टर्स कितने होंगे वो बताओ ना सर, सर कंपनी को बंद कैसे करते वो बताओ, नालायक के दिमाग में आ गए किसी सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया ना सर, बंद कैसे करते बताओ, निगेटिव बातें करो नालायक हमेशा, पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते वो तो सीखो, बंद करने का सीन बाद में, छोटे बच्चे नहीं हो तो खिलौना दे दिया हमने मान लो खेलता है, खेलने के बाद है कि नहीं, उसको हाथ उसके हाथ में कागज दे दो वो क्या करता है पहले लेके फाड़ देता है उसको, उसको पहले सब खराब करना होता है। तो नलायक को पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते वो सीखो, बंद कैसे करते वो फाइनल में सीखेंगे ना, कोई चिंता नहीं सब सिखाया जाएगा फाइनल पे, मैं नहीं सिखाऊंगा कोई और सिखाएगा आपको। हाँ पता बताया मुझको, आपकी रिएक्शन पता है मुझको हो गया अगर लेके तो आगे बढ़े। हाँ जी, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब हम लोग डाइव करेंगे चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 1 का नाम बताओ, चलो मुहूर्त के लिए मैं सारे चैप्टर के नाम लिख दूं, शगुन के लिए लिखते हैं शगुन के। तो ये रहा चैप्टर 1, क्या नाम है? प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 2 बताओ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा आपका अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ, क्या बोलो? सिक्योरिटी। चैप्टर 4 का नाम बताओ, अब कौन से सिक्योरिटी इशू करें ना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चैप्टर 5 डिपॉजिट्स, अरे हॉकिंस कुकर। चैप्टर नंबर 6 That is the charges. Chapter number 7, management and administration. Very good. Chapter number 8, declaration and payment of dividend. Dividend samajh lo aap. Chapter number 9, accounts of the company. Chapter 10, very good, audit and auditors. Or chapter 11, company incorporated outside India. फॉरेन कंपनी बोला नलायक को कान के नीचे कंटा दूंगा, बोलना कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन कंपनी नहीं। हाँ फॉरेन कंपनी के एंगल से लिखा हुआ है लेकिन कुछ बातें अलग अलग भी पढ़ाई जाती है, तो आप हमेशा बोलना कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी बोलने का। ये 11 चैप्टर आपको पढ़ना है सर। अदर लॉ भी बताओ ना, अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? हाँ बाद में बताऊंगा तो ये रहा आपका सिलेबस। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग चैप्टर 1 यहां पे पढ़ रहे हैं यही आपके बुक में दिया जा रहा है। मैं काम करता हूं जब तक आपको हार्ड कॉपी किताबें आपके हाथ में नहीं आती है,
ये चैप्टर वन की जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप सॉफ्ट कॉपी से उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना पड़ेगा, तो वहां से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करिएगा, मोबाइल पे आप उसको रेफर कर सकते हो टिल द टाइम यू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ द, ठीक है। चलिए, तो ये रहा चैप्टर वन, बताएंगे कितने सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन नंबर वन क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्ट। हमेशा सारे एक्ट का सेक्शन नंबर वन यही होता है, ताकि ये आपको बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, एक्सटेंड क्या है, कहां से शुरू हो गया और कहां कहां पे एप्लीकेबल है, किस किस को फॉलो करना है ये एक्ट। तो सेक्शन वन का सबसेक्शन वन कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। सर तो यही नाम था ना इसका। कुछ उच्च एक्ट का शॉर्ट टाइटल कुछ अलग होता है, जैसे इसका शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल सेम है, दो टाइटल होते हैं, एक होता है लॉन्ग टाइटल और एक होता है कुछ, कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ एक्ट का नाम बहुत ही बड़ा हो जाता है, जैसे ये इसका शॉर्ट टाइटल, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, ये हर एक का अपना अपना एक क्या बोलते हैं उसको लॉन्ग फॉर्म है, क्या है आप बात बता दूंगा, इन शॉर्ट बोलते हैं उसको सरफेसी एक्ट, क्या बोलते हैं सरफेसी एक्ट। तो ये इतना बड़ा एक्ट है, इतना बड़ा नाम है, रेफर करने के लिए इतना बड़ा नाम बोलेंगे तो बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, तो ऐसा सीन ना हो इसलिए हम शॉर्ट नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते थे, हाँ इसको बोल क्या बोले हम लोग, निक नेम, घर पे बुलाते होंगे ना इंटू मिंटू चिंटू पिंटू, कुछ तो बुलाते होंगे आपको, तो वो आपका शॉर्ट टाइटल है। वैसे कंपनी का कोई शॉर्ट टाइटल है नहीं, कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है तो कंपनी का नहीं है, वैसे नाम बड़ा ही छोटा है तो क्यों रखे हम लोग निक नेम। वैसे स्कूल में आपको क्या बुलाते थे वो अलग बात है, दोस्त आपको क्या बुलाते अलग बात है। कंपनी एक्ट का कोई शॉर्ट टाइटल नहीं है, उसका नाम वही है, तो हम कहेंगे दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन कंपनी एक्ट 2013, हम इसी नाम से बुलाएंगे। सबसेक्शन नंबर टू, इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया, में आप जहां पर भी हो आपको ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं अंडमान निकोबार में हूं, वहां पर मैंने कंपनी बनाई, तो क्या उसको कंपनी एक्ट अप्लाई होगा, ए इंडिया में का है बहुत दूर है, श्रीलंका अपने से नजदीक है ना, तो श्रीलंका की कंपनी को कंपनी एक्ट अप्लाई करो, अंडमान आपसे नजदीक है कि श्रीलंका, हाँ तो वो क्या श्रीलंकन कंपनी पे कंपनी एक्ट फॉलो होगा अप्लाई होगा, बिकॉज वो कंट्री अलग है, अंडमान अपना पार्ट है, बात समझे नहीं समझे। अच्छा दूसरा भी है ना वो दीव दमन लक्षद्वीप, क्या उस पर भी अप्लाई होगा, वहां पे कंपनी बना दी तो उस पर भी कंपनी एक्ट अप्लाई करेगा, इंडिया की जहां जहां पे टेरिटोरी है वहां वहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा, आपने वहां पे कंपनी बना दी तो, आई बात समझ में, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। पहले पहले यहां पे लिखा जाता था क्या भाई और बहनों, समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल निकाल दिया, नंबर बताओ, तो उस निकलने से जम्मू एंड कश्मीर पे आज हमारे कायदे लागू हो जाते हैं। पहले उस आर्टिकल की वजह से जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो था उसको एक प्रिविलेज्ड पावर दिए हुए थे कि वो अपने लिए लॉज बना सकते थे, जैसे हमारी पार्लियामेंट है वैसे उनकी भी पार्लियामेंट हुआ करती थी। बहुत खतरनाक खतरनाक वाले प्रोविजन उसके अंदर थे, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग पहले ऊपर जाता था, फिर अपना इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता था, नीचे उतारने के टाइम पे इंडिया का फ्लैग पहले नीचे आता था फिर उनका फ्लैग नीचे आता था, मतलब अगेन प्रिविलेज फीलिंग कि वो अपने आप को कुछ अलग मानते थे। जैसे कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करना कोई गुनाह माना नहीं जाता था, अब यहाँ पे इंडियन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करो, दूसरे मिनट में दरोगा जी आएंगे हवालात में डाल देंगे,
सही की गलत। तो यहाँ पे इंडियन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट एक ऑफेंस माना जाता है, लेकिन वहां पे नहीं माना जाता था। ऐसा क्यों था सर? उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि बीच में आपको कंटाला आ गया तो बता देना, अब मत बोलो कंटाला है, फिर बीच में आ गया तो बता दूंगा, ऐसे टाइम पास के लिए इन्फॉर्मेशन ये हम लोग चर्चा कर लेंगे क्यों ऐसा था। वहां पे एक राजा हुआ करते थे हरी सिंह हाँ ऐसे ही आइडियल था वो हरी सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी कि उनको क्यों ये प्रिविलेज दिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है सब कुछ। तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट पे ये अप्लाई नहीं करते थे, उनका खुद का कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उनका खुद का पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था, उनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 निकलने के बाद उनकी ये जो पावर है टू मेक लॉज फॉर देमसेल्फ वो निकाल दिया। आज इंडिया के लॉज आप पे अप्लाई कर जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम लोग है ना आपके लिए, हम लोग है ना कि जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते थे, वैसे हमारी शक्लें देख करके कोई देगा कोई, ये बात से अलग है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर सकते थे। हम जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदी नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो उनका लॉ अला भी नहीं करता, लेकिन अभी 370 निकलने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन निकल गए, अभी आप लोग और प्रॉपर्टी भी खरीदी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बात है, उन सारी बातों में से एक बात आर्टिकल 370 निकलने की हो गई कि इंडियन लॉज अभी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई कर जाते हैं। तो सबसेक्शन 2 में लिखा गया आगे वाला प्रोविजन निकाल करके, दैट इज इट एक्सटेंड्स टू, क्या बोलो, कम ऑन। तो इस एक्ट का नाम क्या है? कंपनी एक्ट 2013। सर ये कहां पे अप्लाई करता है? सर ये एग्जाम में आएगा? नहीं। अभी इतनी छोटी छोटी बातें पूछेंगे क्या? समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन, सबसेक्शन नंबर 3 पढ़िए और बताइए क्या लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। बताएंगे तो जल्दी ब्रेक मिल जाएगा। ओके, बस यही लिखा है। ओके, एनीवन? हरीश बेटा क्या लिखा है? हौले करके पढ़िए ना इसको, क्या लिखा है, चलो साथ में पढ़ दे। दिस सेक्शन शाल कम इन टू फोर्स एट वंस। चलो ठीक है, बस यहां तक। दिस सेक्शन, नाउ दिस सेक्शन मीन्स विच सेक्शन दे आर रेफरिंग? दिस सेक्शन माने दिस एक्ट माने ये एक्ट, दिस सेक्शन माने दिस क्लास माने दिस क्लास, नो नॉट रेफरिंग टू फाउंडेशन क्लास। दिस सेक्शन माने ये सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर, आई बात समझ में? दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 1 शाल कम इन टू फोर्स एट वंस। शाल माने मैंडेटरी फोर्स है, कंपल्सरी, कोई इस पे सवाल निशान पैदा नहीं करेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा ऐसा कैसे। शाल मतलब शाल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, कि ये सेक्शन आएगा एक बारी। शाल कम इन टू फोर्स वंस। जब मैंने 29th अगस्त 2013 पे प्रेसिडेंस आपके साइन करी तो मेरे पास पूरा कंपनीज एक्ट तैयार है, पूरे कंपनीज एक्ट में से सेक्शन नंबर 1 आज लागू कर रहा हूं। इसका मतलब ये सर, बाकी सेक्शन बताते हैं। एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 2 से आगे, शाल कम इन टू फोर्स ऑन सच अ डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट MCA, वेरी गुड। पार्लियामेंट मत बोलना, पार्लियामेंट में लिखा ही है। पार्लियामेंट खुद को बोलेगा क्या? पार्लियामेंट किसी को करने के लिए बोलेगा? पार्लियामेंट बोल रहा है कि मैंने एक्ट बना दिया है, गवर्नमेंट ये ले लो एक्ट, सेक्शन नंबर 1 पहली बार लागू कर दो और बाकी प्रोविजन आपके पास पावर देता हूं मैं, इसको हौले हौले लागू करिए। कल ही हमने पढ़ा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, अभी वीडियो भी दिखाया मैंने तुमको, समझे नहीं समझे? तो पार्लियामेंट में एक्ट बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नरेंद्र भाई मोदी
और उनका मिनिस्टर, उनके जो मिनिस्टर्स है, कौन मिनिस्टर आएगा? निर्मला सीतारमन जी। तो नरेंद्र भाई मोदी और निर्मला बहन दोनों मिलके क्या करेंगे यहां पे, ये डिसाइड करेंगे कि कंपनीज एक्ट के बाकी सेक्शंस कब कब लागू होंगे। ये सेक्शन पहली बार लागू करना, इस बारे में मेरे को सवाल नहीं पूछना। रिमेनिंग प्रोविजन शाल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटी अपॉइंट, अपॉइंट यानी कि डेट अपॉइंट, मतलब डेट फिक्स करेंगे। तो सेक्शन दो के आगे जितने भी सेक्शन है, कोई भी पार्ट आप लोग जिस समय पे चाहो उस समय पे लागू कर सकते हो। सर ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि 470 सेक्शन का ड्राफ्ट तो रेडी था ना, तो एक बार ही लागू कर दो। ये पहले एक सेक्शन आएगा, फिर कुछ सेक्शंस आएंगे, फिर कुछ सेक्शंस आएंगे, ऐसे क्यों? Why is it so? बना है तो लागू कर दो ना। बात करते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1965 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी प्रमोटर है, इन्होंने 1965 में कंपनी कंपनी को बनाया। और ये कंपनी कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1956, जो 2013 के पहले वाला एक्ट था। अब 29 अगस्त 2013 भाई और बहनों, आज से 2013 लागू हो चुका है। अब रातों रात, अरे रातों रात नोट बंद हो सकते हैं, कंपनीज एक्ट नहीं बदला जा सकता। 1956 के कायदों में कुछ तो प्रावधान थे, उस प्रावधानों को देख करके हमने कंपनी का नेचर बनाया था। कंपनी में इतने डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी में ये होना चाहिए, कंपनी में वो होना चाहिए, कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा वैसा होगा, हमने 1956 के कायदों के हिसाब से बनाया था ना। और आज तक कंपनी का अमेंड होते होते हमने उसको फॉलो करा हुआ है। अब रातों रात आप पुराने एक्ट को छोड़ करके नया एक्ट फॉलो करने के लिए बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 में एक नई प्रोविजन आ गई, वन वुमेन डायरेक्टर। तो जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनीज है उनके डायरेक्टरशिप के पैनल पे, बोर्ड पे एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। एक नारी सब पे भारी, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब 29 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी बोल रहे क्या भाई और बहनों, आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होगा। अब मुकेश भाई प्रॉब्लम में आ गए। मुकेश भाई बोले अभी रातों रात में वन वुमेन डायरेक्टर कहां से ढूंढू? बोले घर पे नीता भाभी है ना। समझदार को इशारा काफी है। ये एक प्रोविजन बताया ना मैंने, समझे नहीं समझे? तो सडन ओवरनाइट हम लोग नए एक्ट के अंदर अपने आप को ढाल नहीं सकते, नए एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर सकते। थोड़ा समय चाहिए ना हमको। अरे पुराने वाले को छोड़ना है, नए वाले को पकड़ना है, थोड़ा समय लगेगा ना। पुरानी यादें जो पुराने प्रोविजन जो अटके पड़े उधर, ऐसे रातों रात हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा समय जाता है फेज मैनर में। हमको वो पुरानी यादें भूलनी होगी और नई यादों को बनाना होगा। मतलब कंपनी तक 2013 के साथ यादें बनानी होगी, 1956 के साथ बनाए हुए यादों को छोड़ना होगा, पुराने तरीके को छोड़ना होगा। समझे नहीं समझे? मान लो पुराना नॉन वेजिटेरियन है, अभी नॉन वेज तो एकदम रातों रात कैसे खाना शुरू, खोले होले रहे बिना अंडा खाएंगे फिर ये करेंगे, समझे? ओ ये क्या बोल दिया मैंने, 1956 में जो प्रोविजंस थे जिसके हिसाब से हमने कंपनी बनाई थी उन तरीकों को छोड़ना होगा। होले होले नए एक्ट के अंदर हम लोग अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। समझे नहीं समझे? थोड़ा समय लगेगा। तो कौन से प्रोविजन अप्लाई करेंगे ये टाइम टू टाइम बताया गया है। सर आज पूरा कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है,
क्या आज कंपनीज ने, सारी कंपनीज ने कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना है कि आज भी पुरानी यादें फिर भी बची हुई है? 2013 में एक्ट आया था, आज क्या साल है, अभी कितने साल चाहिए पुराने वाले को भूलने के लिए? बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो आज 2024 में हमको क्या फॉलो करना है, और 1956 के कायदे को पूरा भूल जाना है। सही बात है पक्का? लेकिन इस प्रोविजन से उस टाइम पे 29 अगस्त 2013 को पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि आप नोटिफिकेशन डाल करके बचे हुए प्रोविजंस को टाइम टू टाइम जैसे आपको सही लगे वैसे वैसे अप्लाई करते जाइएगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज और नई कंपनीज उसको फॉलो करते जाएंगे। आई बात समझ में? अरे झेपा गया। एंड देन डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजंस। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स लागू कर सकते। 2018 में ये पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया था। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 क्लियर है? क्लियर है? चलिए काम करते हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर सबसेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे। हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी रिज्यूम? सो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 के अंदर सबसेक्शन 1, 2, 3 हमने फिनिश कर दिया है। अब बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4। तो सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एप्लीकेशन, शॉर्ट टाइटल देख लिया, एक्सटेंड देख लिया और कमेंसमेंट देख लिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। अब ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, ये कौन कौन से एंटिटीज पे अप्लाई करेगा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एप्लीकेशन पे आप समझेंगे कि कौन सी एंटिटी है जिसको ये एक्ट हमको अप्लाई करवाना है। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ गया, बोले कि बोला हमको कंप्लाई करना है, कौन कौन सा एक्ट कंप्लाई करे, तो आप कौन कौन से एक्ट कंप्लाई करने के लिए बोलोगे? तो अगर ये इनमें आ जाता है तो समझ लेना कंपनीज एक्ट का कंप्लाइज उसने करना होगा। इससे पहले द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शाल अप्लाई टू क्लॉज नंबर ए कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट माने कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस। तो प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है? 2013 के पहले जितने भी कंपनीज एक्ट आए हैं उन सबको मैं क्या कहता हूं? प्रीवियस कंपनी लॉ कहता हूं। तो वो कितने थे? What do you understand by the term previous company law? कहां जाके देखो? General Clause Act में जाओ। कुछ भी करना है General Clause Act में ही जाओ ना लायक। Google पे जाओ। हाँ, very good। Google search is not the research। आपको रिसर्च करने के लिए बोला है, लोग गूगल सर्च करके आ जाते हैं। कॉलेज में आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाया होंगे, बोले रिसर्च करके आओ, रिसर्च रिपोर्ट। हम बस रिसर्च सर्च करते गूगल पे, बोलते ये रिसर्च रिपोर्ट है अपना। गूगल हमेशा सही नहीं होता है। गूगल कहां से इन्फॉर्म है? हम जो बताएंगे वही बताएगा ना, हम गलत तो गूगल गलत। तो प्रीवियस कंपनी लॉ कहां से ढूंढेंगे? हमने बताया था ना आपको, आप कंपनीज एक्ट को पढ़ने के टाइम पे किसी भी टर्म में अटक गए कि इसका मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कहां से उसको ढूंढोगे? तो सबसे पहला बात समझेंगे, हाउ टू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो किसी भी एक्ट को पढ़ने के। बस कंपनीज एक्ट नहीं, किसी भी एक्ट को पढ़ने में आप यही सीक्वेंस फॉलो करोगे। तो पहले आप उस सेक्शन में जाके देखिए कि उस सेक्शन के अंदर कहीं एक्सप्लेनेशन में आपको उसका मतलब तो नहीं बताया।
उसी सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन में बातें लिखी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग ऐसे कोई सेक्शन जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन में दिया जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड डैश डैश मीन्स दिस, तो उस सेक्शन के लिए उस वर्ड का मतलब ये होता है। तो उस सेक्शन के नीचे जाके देखिए एक्सप्लेनेशन में वो बात लिखी है कि नहीं लिखी। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लिखा है तो आप कहां जाएंगे, डेफिनेशनल सेक्शन में जाएंगे। कंपनीज एक्ट में सेक्शन दो है, किसी और एक्ट में कोई और सेक्शन हो सकता है, जैसे सेक्शन नंबर 3 जैसे एलएलपी एक्ट पढ़ोगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस है। ओके, तो आप जाएंगे सेक्शन नंबर 2 के अंदर, यानी कि डेफिनेशनल सेक्शन में जाके देखिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन से मिल जाएगा या सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में वो इंफॉर्मेशन मिल, वो डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर एक्सप्लेनेशन में भी नहीं है और सेक्शन 2 यानी डेफिनेशनल सेक्शन में भी नहीं है तो कहां जाओगे, तो कहां जाओगे, जनरल जाओ, उधर ही जाओ। तो आप उस एक्ट के रिलेटेड दूसरा सिमिलर एक्ट उसको जाके पढ़ोगे, यानी कि गो टू द सिमिलर एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट के रिलेटेड और कोई एक्ट है, कंपनीज एक्ट तो इकलौता है लेकिन मैं जिस टर्म को पढ़ रहा हूं उस टर्म के रिलेटेड कोई और एक्ट है, एग्जाम्पल वर्ड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये वर्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तो आप एक्सप्लेनेशन में जाके ढूंढिए, सेक्शन 2 में जाके ढूंढिए, वहां पे भी नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये सिक्योरिटी वर्ड के रिलेटेड कोई दूसरा सिमिलर एक्ट है क्या जो इस वर्ड को गवर्न कर सकता है, तो है अपने पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है, तो उन एक्ट्स में जाके देखिए कि सिक्योरिटी का मतलब क्या आता है, बिकॉज सिक्योरिटी वर्ड उस पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न हो रही है ना, तो प्रोबेबली हो सकता है कि सिक्योरिटी का सही मतलब वो मुझको बताए, तो आप सिमिलर एक्ट में जाके देखिए कोई है क्या, उसको जाके देखिए, अगर सिमिलर एक्ट भी नहीं है तो कहां जाओगे, सिमिलर एक्ट के अंदर भी नहीं तो कहां जाओगे, तो फिर आप जाओगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में, तो वहां जाके देखो कि वहां पे कोई डेफिनेशन दिया है कि नहीं दिया उस बारे, चलो जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं है तो सर वर्ड गलत है पक्का सर, नहीं वर्ड तो वर्ड लिखा है, कहां जाओगे, डिक्शनरी में जाओ, तो आप जाके देखना कि उसके ऊपर कोई केस लॉ हुआ है क्या, हो सकता है कि इस वर्ड पे इसके पहले भी कोई झगड़ा वगैरह हुआ रहेगा कोर्ट में और कोर्ट ने इस वर्ड का मतलब आपको बताया होगा कि इसके बाद इस वर्ड का मतलब यही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वाले मामले हैंडल किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं, हाँ इसने इसको गाली दिया दैट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा होता है क्या, हाँ भाई भाई के साथ झगड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, हमने देखा अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कुछ हद तक हाई कोर्ट तक बातें जो रेगुलर झगड़े वगैरह होते हैं ना वो सुलझाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें जाती है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट भी इस मामले में अपना ओपिनियन नहीं रख सकता है, वो भी कंफ्यूज है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इसको कहते हैं, सही है कि गलत है कोई समझा नहीं पा रहा है, तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कशन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आपको उस वर्ड का मतलब बता देगा बाय रीडिंग द लॉ, जस्ट चीफ जस्टिस नॉलेजेबल इंसान, तो वो लॉ पढ़ेगा बोलेगा अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है, तो जाके देखिए कोई केस लॉ तो नहीं हुआ उसके ऊपर, उस केस लॉ के अंदर ये वर्ड तो डिफाइन नहीं है, तो वो जाके देखिए चलो उसके ऊपर केस लॉ भी नहीं हुआ, आप पहले ही हो जो नलायक ऐसे वाले मामले में अटके हो, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं, ऐसा हो गया आपके साथ, मान लो केस लॉ भी नहीं हुआ तो कहां जाओगे फिर, तो अभी डिक्शनरी पकड़ो, कौन सा डिक्शनरी, ऑक्सफर्ड ब्लैक लॉस डिक्शनरी वगैरह वगैरह, ऐसे लॉ के रिलेटेड डिक्शनरीज होते हैं, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं उसका वर्ड मिल ही जाएगा, तो इतने सारे फिल्टर्स में आपको कहीं ना कहीं उसका मतलब मिल ही जाएगा।
अच्छा नहीं मिला तो कहीं से कहा नहीं, फिर केस लॉ बन जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जज साहब आपको उसका मतलब बता देंगे, उसको ही फॉलो करिए, या फिर लॉ बदला जाएगा, फिर लॉ अमेंड होगा, उसका मतलब बताया जाएगा कि इसके बाद इसका मतलब यही होगा। आई बात समझ में? तो वो केस लॉ बाकी लोग फॉलो करेंगे आगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द मीनिंग, यही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे जब भी कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो इसके बाद ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल करियर। आप इसी तरीके को फॉलो करके उस वर्ड का मतलब निकालने की कोशिश करोगे। व्हेन यू विल रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो आप इसी चीज को फॉलो करके उस वर्ड का मतलब निकाल करके अपने क्लाइंट को डिफेंड करोगे अथॉरिटीज के सामने। बात समझे? अरे क्लियर है? चलिए तो वापस आते हैं यहाँ पे। प्रीवियस कम दिलाओ बताएंगे कहाँ जाओ, बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ जाऊं? अरे उस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में जाके देखो ना, तो ये सेक्शन है मेरा, इसके एक्सप्लेनेशन में जाके देखूं? चलो एक काम कर दे, बेर एक्ट में जाते हैं, बेर एक्ट में समझते हैं। ये रहा आपका सेक्शन नंबर वन, सेक्शन नंबर वन का सब सेक्शन नंबर फोर, और ये उसका एक्सप्लेनेशन कहीं दिया है नहीं, यहाँ पे सेक्शन खत्म हो गया, लगेज सेक्शन टू शुरू हो गया। मतलब सेक्शन नंबर वन का कोई एक्सप्लेनेशन तो मैं कहाँ जाऊंगा, डेफिनेशनल सेक्शन में जाऊंगा। तो सेक्शन नंबर दो अपना डेफिनेशनल सेक्शन है, तो बात करते हैं कि प्रीवियस कंपनी लॉ कहां पे होगा। तो देखिए सेक्शन नंबर टू का ड्राफ्टिंग कैसे हुआ है, देखो ए ए ए ए ए सर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे तो पहला डेफिनेशन कंपनी का होना चाहिए ना। अगर ऐसे हम लोग एब्रप्टली बिना सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिखना शुरू करेंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अल्फाबेटिकल मैनर में सेक्शन को अरेंज किया जाता है। जैसे आपको ढूंढना क्या, प्रीवियस कंपनी लॉ, तो कहां ढूंढेंगे, गुड ये तो पता है आपको, तो पी को जाके ढूंढो, पी कहां पे है, ये प्रमोटर प्रोस्पेक्टस पी पी यस मिल गया मुझको। सेक्शन नंबर टू और कुछ ना कुछ तो 67, ये कुछ ना कुछ तो 67 मतलब क्या होता है सर? अच्छा बताएंगे मुझको, जैसे मैंने ये लिखा तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, सेक्शन टू सब सेक्शन, श्योर कि इसको क्लॉज बोलोगे, क्लॉज बोलोगे, अरे श्योर, तो फिर इसको क्या बोलोगे, सेक्शन वन क्लॉज वन, सेक्शन वन क्लॉज टू, चलो इसको सब सेक्शन बोलते हो और सेक्शन दो को क्लॉज बोलते हो, हैं? ये भी ब्रैकेट में लिखा है, वो भी ब्रैकेट में लिखा है, इसको क्लॉज बोलना होता है, कितने लोग बोलते हैं इसको क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज एक दो तीन बहुत सारे लोग, क्यों बेटा क्लॉज क्यों बोलते हैं इसको, कोई निश्चितता नहीं है इसको, उसको क्लॉज बोलेंगे। अच्छा तो वैसे सब सेक्शन मतलब वैसे ही होता है, एक सेक्शन सब सेक्शन का दूसरे सब सेक्शन से कोई रिश्ता ही नहीं होता है, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। जैसे कि नाम शॉर्ट टाइटल सब सेक्शन नंबर वन, बोलो ना कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ कंपनी एक्ट 2013, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, तो सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू का कोई रिश्ता ही नहीं है, है क्या कुछ रिश्ता, नहीं है ना। सब सेक्शन फोर का और सब सेक्शन वन का कोई रिश्ता है नहीं है, तो उसको क्लॉज बोल दो, लेकिन उसको आप सबसेक्शन बोलते हो। हाँ बेटा वही बोलने वाले थे, गुड इरशाद, नहीं हरीश भाई, तो क्या हाथों पर कर रहा था ना आपने अभी कि भूल गए गजनी हो गया क्या? हाँ बेटा वेरी गुड, ओके चलो मान ले, देख लेते लड़की बोल रही सही बोल रही गलत बोल रही, इसका मतलब ये कह रहे हो सर सब सेक्शन वन जो है उसका डिवीजन हमने इमीडिएटली शुरू कराया करना, आर यू श्योर, ओके, और फिर सब सेक्शन टू के साथ क्या कहानी हो गई भाई, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके बाद उसको डिवाइड करना शुरू करा, आर यू श्योर कि इस लड़की के साथ आप कितने लोग सहमत हो? अच्छा जी
बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्ची ने। देखिए जब भी मैं किसी सेक्शन के डिविजन्स की बात करता हूं तो उसको मैं सब सेक्शन कहता हूं। ओके, जैसे मैंने लिखा इनकॉर्पोरेशन, ये सेक्शन है मान लो सेक्शन नंबर टू फॉर से। इस सेक्शन को मैंने यही से डिवाइड करना शुरू कर दिया तो ये इस सेक्शन के सब सेक्शन माने जाते हैं, बिकॉज मैंने उस टेक्स्ट को इमीडिएटली डिवाइड करना शुरू करा है। पहले ये टेक्स्ट ऐसा था, है ना, ये टेक्स्ट है, मैंने क्या करा उसको यही से डिवाइड करना शुरू करा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, यहां से। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको मैं क्या कहूंगा, सब सेक्शन कहूंगा। क्या कहूंगा? सेक्शन का डायरेक्ट डिवीजन सब सेक्शन। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ये टू इनकॉर्पोरेशन और यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहां पे कोई टेक्स्ट लिखा है, यहां पे कोई लिखा है और मैंने डिवीजन यहां से शुरू करा है, तो ये रहा मेरा मेन सेक्शन। इसका डिवीजन नहीं किया मैंने, सेक्शन को पूरा लिखा और देन फिर उसके नीचे जो सेक्शन में लिखा है, जो मेन कंटेंट है, उसके नीचे डिवीजन लिखे हुए, बात समझे? तो वो मेरे सब सेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज सेक्शन का कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेक्शन के कंटेंट को डिवाइड नहीं करा है डायरेक्टली, सेक्शन के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसके अंदर जो कंटेंट है उसको डिवाइड करना शुरू करा है, तो वो इस सेक्शन के क्लॉजेस माने जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे सेक्शन टू का कंटेंट, मेन कंटेंट ये है और इस कंटेंट को देखिए आगे डैश करा हुआ है, करा है ना इधर, और फिर उसको डिवाइड करना शुरू करा है, बात समझे? और कुछ सेक्शन ऐसे वाले हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए बात है। सेक्शन नंबर 13 बताएंगे मुझको ये, इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड करा है कि कुछ लिख करके डिवाइड करा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ये ऐसा होता, तो ये क्या होता? सेक्शन 13 क्लॉज। क्यों? बिकॉज ये एक सेक्शन के कंटेंट का पार्ट है, सेक्शन का पार्ट नहीं है, बात समझे? इसलिए सेक्शन 2 के नीचे जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। कभी कभार गलती से मैं भी स्लिप ऑफ टंग से सबसेक्शन बोल जाऊंगा, आप समझना मैं क्लॉज की बात करूं। ओके, कभी कभार होता है, बोले 2 सबसेक्शन ऐसे बोला जाता है, गलती नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर होगी तो मान लेना कि ये क्लॉज की बात कर रहा हूं मैं। एनी डाउट सो फार? तो आगे जब भी आप पढ़ोगे लॉ को तो समझ लेना सेक्शन पढ़ना है कि क्लॉज पढ़ना है, इसको हाउ वी शुड रीड इट, क्लॉज की सेक्शन, समझे? पक्का? तो सेक्शन 2 क्लॉज 67 क्या बात कर रहे हैं? प्रीवियस के लॉ। हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 का क्लॉज ए, उसके अंदर मेरे को एक वर्ड नजर आया, प्रीवियस कंपनी लॉ। अब उसका मतलब मेरे को नहीं पता है, वो मैं ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा हूं। तो प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? मींस एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड बिलो, नीचे दिए गए कोई भी लॉ प्रीवियस कंपनी लॉ माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पहला, एक्ट रिलेटिंग टू द कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, 10 ऑफ 1866, मतलब 1866 में 10th नंबर का एक्ट था, मतलब इस एक्ट के पहले जितने भी एक्ट थे वो कंपनीज एक्ट ही माने जाएंगे, प्रीवियस कंपनी लॉ ही माने जाएंगे। सब लोग मेरे साथ है? स्ट्रेट बटर स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, कीप स्माइलिंग। 1866 के पहले जितने भी कंपनीज एक्ट बने हैं वो मेरे लिए प्रीवियस कंपनी लॉ है, तो 1866 में बना हुआ एक्ट भी प्रीवियस कंपनी लॉ ही हुआ ना, वो डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। नहीं, कंपनीज एक्ट 1882 उसके बाद आया, 1882 उसके बाद 1913 उसके बाद, ये कोई ऑर्डिनेंस है। सो ऑर्डिनेंस का डिफरेंस मतलब क्या होता है? बताऊंगा आगे, आज पहले दिन पे बताऊंगा तो पक्का भाग देंगे लोग। फिर कंपनीज एक्ट 1956, फिर ऐसा कोई भी लॉ जो एक्ट बना हो, ऑर्डिनेंस बना हो, इन फोर्स हो रिगार्डिंग दिस, पढ़ने की गरज नहीं है और एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये सिक्किम वाला, ये वाला कहां सिक्किम काला का गोरा बघेल पढ़ना। इन शॉर्ट बताओ कि जब से इंडिया बना है वहां से लेके अब तक जितने भी कंपनीज एक्ट बने हैं वो सारे प्रीवियस कंपनी लॉ। सर पहले बता देते तो समय ही बच जाता सर,
खाली पी ली, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था 2 मिनट के लिए। मैं बता रहा था आपको कि किसी भी वर्ड का मतलब ढूंढते कैसे है, बात समझे? तो प्रीवियस कंपनी लॉक का मतलब क्या होगा भाई और बहनों? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, अरे बता दो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट 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 एकदम स्ट्रेट, गहरी सांस, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, ट्रस्ट मी, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, होल्ड इट अंटिल आई टेल यू टू ब्रीद आउट। छोड़ दिया, देखो छोड़ दिया, पता पक्का बता दे, बोल से बोले छोड़ ही देंगे। चलो अगेन कोशिश करते, 1 2 3 स्टार्ट, ब्रीद इन, होल्ड इट, अरे होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू पॉसिबल ना, ब्रीद आउट, इटरेट द प्रोसेस, ब्रीद इन, breathe out for the last time, breathe in, sona nahi bas, dhyan denge sab log, come on batayenge, what did my previous company law, are ab tak jitne bhi company law bane na 2013 ke pehle wo sare mere liye previous company law hai, to batayenge mujhko ye act kis pe apply karega, companies act 2013 jo main pad raha hu ye kis kis pe apply karega, 2013 में बनी हुई जो भी कंपनी उस पर अप्लाई करेगा, साथ साथ अब तक जितने भी कंपनीज एक्ट बने हैं उनके अंदर जितने भी कंपनीज बनी थी जो आज मौजूद है उस पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा। इन शॉर्ट आज इस इंडिया में जितने भी कंपनीज एग्जिस्टिंग है उसने कौन सा एक्ट फॉलो करना है? वो रिलायंस इंडस्ट्री बोल रहे मैं तो 1965 में बनी हूं तो मेरे को तो 1956 एक्ट में बनाया गया था, मैं तो उसको ही फॉलो करूंगी, मैं तो 2013 को फॉलो ही नहीं करूंगी, क्या ऐसा बोल सकते मुकेश भाई? नहीं बोल सकते। उन्होंने कंपनी बना दी रिलायंस जियो लिमिटेड जो 2018 में इनकॉर्पोरेटेड है, उसको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? तो आज जो कंपनी बनी है 2013 के बाद उसको भी 2013 ही फॉलो करना होगा, और जो पहले बनी है उसको भी क्या फॉलो करना पड़ेगा? जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड 1945 में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कौन सा एक्ट में बनी होगी? कंपनीज एक्ट 1913, तो क्या उसको आज 2013 का कायदा फॉलो करना है कि 1913 का कायदा फॉलो करना है? 2013 का फॉलो करना है भाई। तो मैंने इन शॉर्ट कहा आज के दिन पे इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं उसको कौन सा कायदा लगेगा, आपके पास जो भी क्लाइंट आएंगे उसको आप कौन सा कायदा फॉलो करने के लिए बोलोगे? कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करने के लिए बोलोगे। आई बात समझ में? अरे जेपे आ गया आप। तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शाल अप्लाई टू किसको? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लॉज नंबर बी कैसे पढ़ना बी इसको? डायरेक्टली पढ़ू? इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट ना मुन्ना ना, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शाल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। शैतान के बाहुबली कोई मुझको इसका मतलब बता दे। तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है तो कंपनीज एक्ट में क्यों लिखा? क्या बात करो, अच्छा कोई एग्जांपल? बिल्कुल सही जवाब है, एक बार बच्चे के लिए ताली बजनी चाहिए, कम ऑन सब लोग ताली बजाएंगे, जोर से बजाओ, जोर से। क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति जी। तो प्रीति जी ने जवाब दिया है कि सर इंश्योरेंस कंपनीज पे बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई कर जाता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी हो कि कोई और कंपनी हो वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है,
वो कंपनी है तो उसको कंपनी जाकर अप्लाई करेगा, लेकिन इनको गवर्न करने के लिए इनका काम करने का तरीका अलग है ना। रेगुलर टाटा मोटर्स की तरह इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती है, इसके लिए अलग कायदे बनाने पड़ेंगे। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए दो कायदे बना दिए, जैसे इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA और इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी पे ये भी एक्ट अप्लाई करते हैं, तो ये उनके सगे वाले एक्ट हो जाएंगे, है ना। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पर कंपनी सर अप्लाई करेगा, लेकिन साथ साथ इनके लिए अलग कायदे बना दिए बिकॉज उनका काम करने का तरीका अलग है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट, तो ये इनको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली उनके सगे वाला एक्ट है, तो पहले इनको फॉलो करा जाएगा, एंड देन अगर इन एक्ट में कुछ बातें नहीं लिखी है तो वो बातें हम कहां से उठाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 से उठाएंगे। आई बात समझ में? तो इंश्योरेंस कंपनीज पहले ये दो एक्ट फॉलो करेंगे, अगर इनमें कुछ बातें नहीं लिखी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये वाली बात आप कंपनीज एक्ट से उठाइए और फॉलो करिए। जैसे क्या इंश्योरेंस कंपनी ने ROC को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं? जी हाँ, जरूर करने हैं, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, IRDA एक्ट में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का फॉर्मेट कहां पे होगा? तो वो फॉर्मेट उनके इस एक्ट में दिया हुआ है। हम Schedule 3 वाला फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे जो रेगुलर कंपनी फॉलो करती है। IRDA एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट में उनका फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो उस फॉर्मेट में बनाएंगे, लेकिन फाइल कंपनीज एक्ट के हिसाब से करेंगे। आई बात समझ में? तो जहां पे हम कंपनीज इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, वो इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे। अगर उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो किसको फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट में फॉलो, कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे। और कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ गई तो किसको फॉलो करेंगे? तो इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे। जैसे कंपनीज एक्ट में भी Schedule 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है और इंश्योरेंस एक्ट में भी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हम कौन से फॉर्मेट को फॉलो करेंगे? इंश्योरेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वापस एक बार पढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। मतलब ये प्रोविजंस अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट कि ऐसे कुछ प्रोविजन जो इंश्योरेंस एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करेंगे क्योंकि वो कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट है और दूसरा IRDA एक्ट से इनकंसिस्टेंट है। एनी डाउट? अब आप मुझको बताना क्लॉज नंबर सी का मतलब, पढ़ना जरा क्लॉज नंबर सी। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू क्या मतलब होता है इसका बताएंगे। आज इंडिया में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है उसको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए हमने स्पेसिफिक दूसरा एक्ट बना दिया है। क्या नाम है उसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बताएंगे अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ लिखा है और सेम बात कंपनीज एक्ट में भी लिखी है तो बैंक्स किसको फॉलो करें? वेरी गुड। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो सेम द एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल अप्लाई ओवर हियर आल्सो, दैट इज कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी उनका फॉर्मेट दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी फॉर्मेट है, तो कुछ कौन से फॉर्मेट में बनाएगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो किसको कौन से फॉर्मेट में बनाएगी? अरे Schedule 3 का फॉर्मेट यूज करेगी। समझे? जेपिया सेम। अब बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट सो फार द प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013। मतलब आज इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, जनरेशन एंड सप्लाई, MSEB, MSEDCL, उनके दो पार्ट है, एक जनरेशन वाला अलग पार्ट है और सप्लाई वाला अलग पार्ट है। आपके घर पे जो लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसको देख करके आपको करंट लगता है, वो MSEDCL यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, जनरेशन वाले अलग कंपनी है। तो अगर आज कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, टाटा पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, तो इन वाली कंपनीज को आज कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है, लेकिन उनके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी बना दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ लिखा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे। सिंपल है कि नहीं? चलिए इसी इंटेलिजेंस को यूज करके आप इसका मतलब बताएंगे। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, आगे नहीं पढ़ना, नहीं आप खुद मन ही मन में पढ़ लो, जवाब दे दो।
यस एनीवन? हाँ बेटा लास्ट बेंच। तो ऐसी कौन सी कंपनी से बेटा जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है? नाबार्ड है। वेरी गुड, एक नाबार्ड नाम की कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। वेरी गुड, और बताओ। LIC है। और अच्छा क्या ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी कंपनी है, ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, उसके लिए अलग एक्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट। LIC है, नाबार्ड है, SBI, अरे आपकी IGAI है, ये भी तो कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। तो क्या इस पे कंपनी से अप्लाई करेगा? जी हाँ, बिकॉज वो कंपनी है सर। इसके आगे लिमिटेड नहीं लिखे है, आएगा है, वो भी आएगा, क्यों नहीं लिखा है वो भी आएगा। तो इन वाली कंपनीज को बनाने के लिए हमने एक अलग एक्ट बना दिया पार्लियामेंट में। तो क्या ये भी कंपनी है? जी हाँ, ये भी कंपनी है, लेकिन इस पे कंपनी से अप्लाई करेगा? जी हाँ करेगा, लेकिन उनका स्पेशल एक्ट भी जो है तो वो उनके स्पेशल एक्ट को फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? सेम लाइक द बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, सेम प्रोविजन विल अप्लाई ओवर हियर आल्सो। बस एग्जांपल समझने जरूरी थे कि स्पेशल एक्ट में कौन सी कंपनी बनती है। एंड देन आएगा लास्ट वाला, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू सच अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज सेंटर गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन specify in this behalf subject to such exemptions modifications or adaptation as may be specified in the notification. तो बात ये कर रहे हैं कि हमारा कंपनी एक्ट 2013 उन बॉडी कॉर्पोरेट भी अप्लाई करेगा जो किसी दूसरे एक्ट में बना है, जिसको सेंटर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताएगा कि ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई कर जाएगा। अगर सेंटर गवर्नमेंट ने बोला तो, नहीं बोला तो नहीं हो जाएंगे। तो आप मुझको बताएंगे कंपनी छोड़ करके इस इंडिया में और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है? है कंपनी छोड़ करके और कोई बॉडी कॉर्पोरेट इस इंडिया में है कि नहीं है? LLP, वेरी गुड। तो आज अपने पास LLP है, लेकिन LLP के लिए अपना अपने पास दूसरा एक्ट है ना, LLP एक्ट 2008। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि कंपनी तो नहीं है लेकिन ये LLP बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए स्पेशल एक्ट भी है, अगर मेरे को लगता है कि LLP पे कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस अप्लाई करवाने हैं, तो सेंटर गवर्नमेंट अपना पावर इस्तेमाल करके कंपनीज एक्ट के वैसे प्रोविजन LLP पे भी अप्लाई करवाए, भले वो LLP एक्ट का हिस्सा नहीं है, भले LLP एक्ट से गवर्न होती है, लेकिन कंपनीज एक्ट के उस कुछ प्रोविजन में अप्लाई करवा सकता हूं। ये गवर्नमेंट ने अपने पास पावर लिया हुआ है। किसने दिया ये पावर? किसने दिया ये पावर? अरे एक्ट बनाया किसने? एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने बनाया ना, तो पार्लियामेंट ने पावर दिया ना, अकल के अंधो, इजंट इट? तो पार्लियामेंट ने पावर दिया कि बॉडी इंडिया में जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी छोड़ करके, क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? उसको छोड़ के और भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है? हाँ, LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, उस पर कंपनी एक्ट अप्लाई करवा सकते हैं? जी हाँ। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना सर, एट बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा समझा नहीं सर कुछ, तभी इसका मतलब नहीं पता मुझको, कहाँ ढूंढोगे? है क्या एक्सप्लेनेशन इस एक्ट का, इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है क्या? तो कहाँ जाओगे? तो जाके देखे डेफिनेशन सेक्शन में, कहाँ ढूंढोगे? पी में ढूंढू, बी में ढूंढू? ठीक है, बी में ढूंढते। बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो ये रहा सेक्शन नंबर 2 और ये रहा ABB, यहाँ से शुरू होता है बी। हाँ BBB, हाँ आया 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 आया, पढ़िए जरा वो बताइए।
पढ़ा, क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। सो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स बोला है, इंक्लूड्स माने कुछ डेफिनेशंस होती है जो मींस से शुरू होती है ना, जैसे कंपनी मींस है ना, कुछ डेफिनेशन होती है ऐसी दैट कंपनी इंक्लूड्स, अब कंपनी इंक्लूड्स नहीं है लेकिन फिर भी, तो कुछ डेफिनेशन मींस से शुरू होती है, कुछ डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द कंपनी मींस एंड बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, मतलब हाँ बेटा व्हाट्स योर नेम, 1 2 3 4 हाँ व्हाट्स योर नेम, अक्षता जी बताइए, और इंक्लूड्स मतलब एक्स्ट्रा माने वो भी आ जाएगा, आर यू श्योर। तो मींस को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, क्या कहते हैं एग्जॉस्ट, मतलब यही है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है भाई, आप अपना अपना दिमाग मत लगाइए जो नहीं है, मींस माने मींस। इंक्लूड्स का मतलब होता है हम इस डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉस्टिव मतलब खत्म हो गया, मींस यही है, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेट दिस एक्ट अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, बस बात खत्म, और कोई कंपनी सर ये कंपनी मत पूछो, क्राइटेरिया लगाओ कि क्या ये कंपनी इस एक्ट के अंदर बनी है, प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, नहीं बनी है तो वो कंपनी नहीं है, बात खत्म, सवाल मत पूछिए। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव, ये इंक्लूड करवा के लेते हैं, इसका एक्सटेंड बढ़ जाता है, स्कोप बढ़ जाता है, ये डेफिनेशन हम वहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव एक्सटेंड नहीं कर रहे, बस यही लिमिट कर रहे हैं उसको, स्कोप को लिमिट कर रहे हैं। तो ये कौन सा डेफिनेशन है बताओ, इंक्लूसिव की एग्जॉस्टिव। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, इंक्लूड माने ऑलरेडी कुछ है जिसके अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं, कंपनीज एलएलपीज मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है, उन एग्जिस्टिंग लिस्ट में मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं, किसको इंक्लूड कर रहा हूं, जो कंपनीज इंडिया के बाहर बनी, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं वो पूछा क्या मैंने, तो आज टेस्ला मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, क्या आज नोकिया मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई नजर नहीं, हाँ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में तो फॉरेन कंपनी होगी भाई, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है वो इंडियन कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी तो नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है, बात समझे। तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज के साथ साथ इंडिया के बाहर की कंपनी को भी ऐड करता हूं, तो आप मुझको बताना सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन 4 है जिसका लास्ट क्लॉज एफ है, जिसके अंदर लिखा है कि ये एक्ट उन बॉडी कॉर्पोरेट्स भी अप्लाई करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, तो क्या आज टेस्ला पे गवर्नमेंट लॉ बना करके इंडियन कंपनीज एक्ट लागू करवा सकती है, द आंसर इज यस, ये पावर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, कृपया पक्का, दिस इज हाउ यू हैव टू गेट द मीनिंग ऑफ द लॉ, यू हैव टू इंटरप्रिट द लॉ लाइक दिस, मतलब वही लिखा होता है, बस ढूंढना होता है। अभी तो इनिशियल लेक्चर्स है तो आपको थोड़ा हेवी लगेगा, अरे इतना सब कुछ पढ़ना होता है क्या, अब जितना हम लोग गहरा पढ़ रहे हैं ना उतना गहरा एग्जाम में आता नहीं है, बच्चे खुश हो गए, सही है, लेकिन आगे आगे लॉ पढ़ोगे तो ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना, हम पढ़ेंगे इतना गहरा आएगा एग्जाम में से थोड़ा बहुत तो हम संभाल लेंगे उसको, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जामिनेशन में जिसको इसी नॉलेज की गरज है, समझे, तो बाकी लोग उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, हम टैकल कर पाएंगे प्रॉपरली, और ये ऐसे पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, अदरवाइज फिर क्या ही है, एक किताब है पढ़ लो बात खत्म घर निकल जाओ, वैसे ये पढ़ने के बाद अगर मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको नॉर्मली पढ़ाया फिर भी आप पास ही हो जाओगे, ऐसे नहीं कहा पास नहीं हो गए फेल हो जाओगे, मैंने नॉर्मली आपको पढ़ा ये नहीं बताया फिर भी पास हो, कोई चिंता नहीं, एग्जाम का प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वो मन को समाधान नहीं मिलेगा ना, ऐसा लगेगा आज भाई कुछ पढ़ा है मैंने, आज मजा आ गया भाई, समझे नहीं समझे, मतलब तुमको मैंने कोई किसी होटल में लेके चला गया और वहां पे आपने खाना खाया, बोले पेट तो भर गया है, नींद तो आ जाएगी, लेकिन वो मजा आना चाहिए ना, बोले पहले निवाले के साथ बोले वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ, वो फीलिंग आना चाहिए ना अंदर से, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगा तब तक सीए करने का मतलब ही नहीं है, तो आप में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है,
ईपीएंस और नॉन ईपीएंस डिफरेंस होना चाहिए ना भाई, दिखना चाहिए ना भाई, इजंट इट। तो बॉडी कॉर्पोरेट इसके अंदर हम इंडिया के बाहर की कंपनीज को भी ऐड करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन वन के अंदर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है। अब चाहो तो अगर ऐसी सिचुएशन आन पड़े आपके सामने कि भैया अभी इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, तूने मेरे को उंगली किया, अब मैं तेरे ऊपर कंपनी चार्ट अप्लाई करवाऊंगा, तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा और बोलूंगा कि टेस्ला के ऊपर कंपनी चार्ट अप्लाई कर जाएगा। बात समझे? झेपिया क्या? जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, अगर मान लो टेस्ला है, टेस्ला को इंडिया में ऑपरेशन नहीं करना है, उसने क्या कर लिया, उसने श्रीलंका में एक कंपनी बना दी। देखो श्रीलंका में मान लो वहां पे कोई किसी बात का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी कंपनी आके बना सकता है। इंडिया में बनाएंगे तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो। तो ऐसी कोई कंट्री होगी जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप जाओ कंपनी बना लो, तो श्रीलंका है मान लो वो कंट्री, ऐसा नहीं है लेकिन मान लो। तो टेस्ला ने क्या कर लिया, श्रीलंका में कंपनी बना दी, इंडिया में नहीं बनाए बिकॉज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, और श्रीलंका की कंट्री के अंदर वो इंडिया के कुछ लोगों को मेंबर बना रहे हैं, इंडिया के कुछ लोगों को डायरेक्टर बना रहे हैं जो इंडियन ऑपरेशन को संभालेंगे, और वो क्या करते हैं, वो इंडिया में या इंडिया के आजू बाजू के एरिया में क्या करते हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट करते, फंक्शन करते। इंडिया में एग्जिस्टिंग कोई फिजिकल उनको ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन श्रीलंका में बैठे बैठे इनडायरेक्टली इंडिया में ऑपरेशंस करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा साला तू ऐसा करता है क्या, मेरे को बाईपास करके काम कर रहा है, तो काम कर दो, मैं तेरे को इंडियन कंपनी से अप्लाई करवाता हूं। वैसे तो इसी बात के लिए सब अरेंजमेंट कर रहा था ना, लेकिन मैं जानता हूं कि तू इंडिया में ऑपरेशन करता है इनडायरेक्टली, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तुम इंडिया की कंपनी नहीं हो लेकिन तुम इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडियन कंपनी एक्ट के लिए तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो हम तुम्हारे ऊपर हमारा कंपनी एक्ट का ये वाला प्रोविजन अप्लाई करवाएंगे। बात खत्म। टैक्सेशन लॉ जैसे ही बनते भाई। अब स्वप्निल सर आपको वो कोई केस स्टडी बता देंगे, वो वोडाफोन वाला केस बता देंगे बाद में, बड़े लैंडमार्क केस है, उसके अंदर ये सिमिलर अरेंजमेंट आप देख पाओगे कि कंपनी तो बाहर बनी है लेकिन वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है इनडायरेक्टली, तो हम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उस पर अप्लाई करवाएंगे, पहले वो इंडिया में नहीं बनी है, इंडिया में कोई ऑपरेशंस नहीं है। बात समझे? तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा, इंक्लूड्स, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी जो बनेगी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ साथ इंडिया के बाहर बनी कंपनी भी, भले उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि, बट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर कब कौन नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, अमूल है, तो ये कंपनीज ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो अमूल इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, अमूल पे कभी इंडियन कंपनी, अमूल के ऊपर कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है, मतलब इसके अंदर आती है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बात समझे, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, कंपनी को छोड़कर के और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नोटिफिकेशन से कि भाई इस ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। क्या बोल दिया सर आपने? मैंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंक्लूड्स है ना, मतलब कंपनी LLP के साथ साथ ये भी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि अमूल नहीं आएगा, और साथ साथ वो इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी को छोड़कर, क्या मतलब आज गवर्नमेंट किसी कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से नहीं निकाल सकता, एक्सक्लूडिंग कंपनी बोला है, मतलब आज गवर्नमेंट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकता कंपनी को छोड़कर के, मतलब समझे, मतलब तू बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मैं बताता हूं तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तू इंसान ही नहीं है, तू इंसान है लेकिन तू इंसान नहीं, मैं बोलता हूं तू इंसान नहीं है, लेकिन उसमें कंपनी नहीं आया था, मतलब किसी भी कंपनी को वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन नहीं निकाल सकते एक्सेप्ट कंपनी बोला हुआ, आई बात समझ में? तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक प्लेन डेफिनेशन क्या आएगा, जो एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट है इसके अंदर जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आएगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। आई बात समझ में? वापस आता हूं मैं सेक्शन वन पे। देखो आज का पूरा लेक्चर सेक्शन वन ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कब डिस्कस होगा सर, 148 सेक्शन, मतलब एक सेक्शन को एक लेक्चर, मतलब 148 सेक्शन को 148 लेक्चर्स, देखते हैं।
तो आज मैं एक गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट पे भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करवा सकते हैं। सेक्शन में यहां पे खत्म होगा। वापस एक बार सेक्शन वन देखें, स्ट्रेट बेटो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हंसो। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट। तो हमने देखा सेक्शन नंबर वन, बताएंगे सेक्शन वन का नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन। उसका सब सेक्शन वन क्या कहता है? इस एक्ट का नाम क्या होगा? कंपनीज एक्ट 2013 होगा। दूसरा कहां पे अप्लाई करेगा? होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करेगा। नंबर थ्री वो क्या बोलता है? वो फेज मैनर में आएगा, पेज मैनर में आएगा ना। और सबसेक्शन फोर क्या कहता है? ये कहां कहां पे अप्लाई करेगा? एप्लीकेशन कहां कहां पे अप्लाई करेगा? कंपनीज जो इस एक्ट के अंदर बनी है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉज के अंदर बनी है। नेक्स्ट वन, चलो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्लाई करेगी, एक्सेप्ट इंश्योरेंस एक्ट है तो वो अप्लाई करेगा। नंबर थ्री तो बैंकिंग पे भी अप्लाई करेगा। नंबर फोर इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई करेगा। नंबर फाइव स्पेशल एक्ट वाली कंपनी पे अप्लाई करेगा। नंबर सिक्स बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई करेगा, सेंटे को मैंने बोला। तो खत्म, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग कब से। सेक्शन वन खत्म है, आई बात समझ में? पक्का सेक्शन वन क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट, कोई शक? तो सेक्शन वन तो यहां पे खत्म हो गया। अब बात करें सेक्शन टू की। अब सेक्शन टू को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज सेक्शन टू के अंदर देखिए कितने डेफिनेशन है। नाइनटी फाइव क्लॉजेस है, मतलब 95 डेफिनेशन। अब सारे डेफिनेशन तो हमको नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमको तो पढ़ना आधा ही है, आधा भी नहीं, वन थर्ड होगा। हमको तो बहुत कम सेक्शन पढ़ना है ना, तो उन कम सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो टू के अंदर डिफाइन करेगा, ऐसे भी कुछ टर्म्स होंगे जो इन सेक्शंस के अंदर नहीं है जो हमको पढ़ना है। तो खाली पीली सारे 95 क्लॉजेस पढ़ने का मतलब क्या है? तो सेक्शन टू को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टर्म मेरे को नहीं समझी है, तो उसको ढूंढते ढूंढते हम यहां पर आ जाएंगे, और इस हिसाब से हम सेक्शन दो को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो इसका मतलब सर चैप्टर टू शुरू करें? नहीं, सेक्शन टू की कुछ डेफिनेशन होगी जो चैप्टर टू शुरू करने से पहले हमको पता होना जरूरी है। जैसे सिंप्लीफाइड सेक्शन नंबर टू क्लॉज 20 क्या बताता है? द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है? कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट माने और प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन टू क्लॉज 67 के हिसाब से जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ के उसके। अब इसको कुछ बोलने की गरज है? मतलब इसको मैं कुछ डिफाइन करूं, बोलूं कुछ? ऑलरेडी इतना सारा चर्चा करा इस पे मैंने कि दिस एक्ट का मतलब क्या है, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट अभी अंत में सवाल पूछता हूं, आपने जवाब करना है क्या इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। मैं बात कर रहा हूं जियो लिमिटेड जो 2018 में बनी है, क्या इस पे कंपनी से 2013 अप्लाई करेगा? 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 बात करते एयरटेल लिमिटेड। एयरटेल लिमिटेड जो 1995 में बनी, क्या इस पे कंपनी से 2013 अप्लाई करेगा? अरे पहले बनी एक्ट भाई कंपनी, अरे 2013 के पहले बनी ना कंपनी है, तो कैसे 2013 अप्लाई करेगा? अरे सेक्शन दो ही बोलता है सर, सेक्शन वन का सबसेक्शन फोर यही कहता है प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है तो उसको 2013 फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या इस पे भी अप्लाई करेगा? क्या क्या एयरटेल लिमिटेड मेरे लिए कंपनी है? कंपनी मींस कंपनी इन कॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब जियो लिमिटेड भी मेरे लिए क्या है बोलो? तो इसके बाद जब कभी भी कंपनी 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 वर्ड नजर आए तो आपको सेक्शन 220 को रेफर करना है। तो क्या जियो लिमिटेड मेरे लिए कंपनी है? शांति से, क्या कंपनी है? क्या एयरटेल लिमिटेड मेरे लिए कंपनी है? श्योर। क्या टेस्ला इनकॉर्पोरेशन जो यूएसए में बनी है, क्या ये मेरे लिए कंपनी है? कंपनी है तो क्या है? तो ये मेरे लिए क्या है बोलो? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेरी गुड। नोकिया फिनलैंड में बनी है, क्या ये मेरे लिए कंपनी है? क्या ये मेरे लिए कंपनी है? ये मेरे लिए कंपनी है?
द आंसर इज नो। ए नलायको, अकल के अंधो, कहां अकल बेच के आ गए? हाँ, गिरवी रख दिया, कोई लेगा भी नहीं उसका सिक्योरिटी, मतलब किसी काम का नहीं है। मैंने पूछा कंपनी है कि नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि कंपनी का किस पे अप्लाई करता है कि नहीं करता है। सेक्शन वन में देखा कि क्या इस पे अप्लाई करता है, मैंने पूछा कंपनी है कि नहीं। अभी एक्ट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है, कंपनी है कि नहीं बताओ क्यों नहीं है। अरे सेक्शन 220 के डेफिनेशन में डाल के देखो ना उसको। नोकिया इस कंपनी को सेक्शन 220 के अंदर डाल के देखो, क्या ये कंपनी है क्यों नहीं है? बिकॉज ना ये 2013 में इनकॉर्पोरेट है, ना ये कंपनीज एक्ट इंडिया की किसी और प्रीवियस कंपनी में इनकॉर्पोरेट, तो ये कंपनी है क्या? ये कंपनी है क्या? तो अगेन ये भी क्या बन गई मेरे लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और 267 के हिसाब से ये बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन चैप्टर 22 जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको समझता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उस पर चैप्टर 22 की बातें अप्लाई करवाता हूं। मतलब कंपनीज एक्ट उस पर अप्लाई करेगा, भले ही वो कंपनी, लेकिन पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे? कौन सा करेंगे? बस पार्ट करेंगे, चैप्टर 22 फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? पक्का? वो कौन से सेक्शन होंगे? ये सुना सुना लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है, कहां देखा है? कल ही देखा था ना हमने इसको। पक्का समझे? देखो लास्ट वाला सवाल का जवाब भी गलत हो गया ना लायकों का, तो वापस मेरे को पढ़ाना पड़ेगा अब सब कुछ। तो अभी बजे है, बहुत समय, एक घंटे में रिवीजन हो सकता, पॉसिबल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए काम करते हैं, अभी इसका थोड़ा नोटिंग कर लेते हैं, सेक्शन वन का नोटिंग करते हैं और सेक्शन 220 का नोटिंग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे फीचर्स ऑफ द कंपनी, जो अपने फाउंडेशन पे पढ़े होंगे, जिस पे सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा राइटिंग कर लेते हैं, चलेगा? मस्त अपना नाम भी लिखिए, नोटबुक लाए ना आप लोग। हाँ, ईपीएस स्पॉन्सर्ड नहीं है कुछ भी यहाँ पे। हाँ हाँ, नोटबुक पे अपना नाम लिखना, खुद का लिखना का बस। गाना सुनेंगे आप लोग? कौन सा गाना? कोई मार्केट में नया गाना है क्या? कौन सा? बादल बर... ये बादल वर्ष देखो क्लास में लगाने लायक और सुनने लायक होना चाहिए कुछ हो। ये तुम भद्दे वाले गाने बोलते हो यार, नहीं मेरे को तुम्हारी बात ही नहीं सुननी है, चलो शट अप। मैं कुछ और लगा लेता हूँ, जो सामने दिख रहा है वो लगा। देखो देखो लिखो, अभी हेडिंग देना चैप्टर वन प्रिलिमिनरी। हॉट तेरे मैनर नी, छपत तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवे काइली जैनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर कर के, मुंडा थकदा नहीं कर कर के, तेरी आ तारीफा जिकरदा दिला दू तेनु बुर्ज खलीफा, तेनु बुर्ज खलीफा, और तेनु बुर्ज खलीफा। खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा।
लिशके तू डायमंड वांगू लिशके तेनु वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे मुंड तेनु फॉलो कर दे मुंड तेनु फॉलो कर दे छट गए सो कर फीफा जिकरदा दिला तू तेनु बुर्ज खलीफा छप दे मेरे बैनर नी लोग तो जेलस कर दिए काइली जैनर नी मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कट दी ना तो सूढ़ी वे सड़क पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनु काला चश्मा ओ मैनु काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 को समझने के लिए कुत्ता बनना होता है सुखी
आजकल दिल साला बाउंस करे है मेरे सीने में, मिलने लगी है तू जब से इश्क महीने में। तुझ में है जो फीलिंग है वो हर कमीने में, अख जो मिला लो भीगे ख्वाब पसीने में। भड़कीली नखरीली चमकीली लचकीली तू जो कमर ये हिलाएगी, और तेरा देख के नखरा ये दुनिया शर्मा जाएगी। ठंडी ठंडी आहें जब तू है भरती हवा में जैसे मिंट उड़े है। जी दवा चलिए, कंपनीज के डेफिनेशन के नीचे एक छोटा डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़िएगा। माइट भी अपने फाउंडेशन पे ये कहानी कहीं पढ़ी होगी। लिया हो गया। चलिए एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझको कि क्या कंपनीज एक्ट के अंदर ड्राफ्ट्समैन ऐसी वाली डेफिनेशन नहीं लिख सकते थे कि हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, हैविंग कॉमन सील वगैरह, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख सकते थे कि उनको आता नहीं था? डेफिनेशन को ऐसा ही लिखने का क्या मतलब है? बहुत बड़ा डेफिनेशन हो जाता है इसलिए। अच्छा ठीक है, तो इसे लॉ ही नहीं लिखो फिर, मारेगा बस। डेफिनेशन को वो ऐसे भी लिख सकते थे ना जैसे जस्टिस लिनले जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने बस सिंपल भाषा में जिसमें से कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि व्हाट डू मीन बाय कंपनी, कंपनी क्या है वो समझ गए, लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपनी वो कहां नजर आता है? वो तो ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद समझ में आता है ना। तो ड्राफ्ट्समैन जानते हैं कि कंपनी का जनरल मीनिंग सबको पता है, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन स्टॉक वगैरह वगैरह, ये जनरल मीनिंग सब जानते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज मैं जब कंपनीज एक्ट लिख रहा हूं 2013 उस टाइम पे आज तक बहुत सारी कंपनीज आई हुई है, और जब भी मैं टर्म कंपनी लिखूंगा तो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आएगी ये डिफाइन करना जरूरी है, रादर देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपनी। तो इसलिए डेफिनेशन ऐसा लिखा है, और जनरल मीनिंग को आप जो भी यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से फॉलो करते आ रहे हो उसी को फॉलो करना, मतलब कंपनी क्या है सब जानते हैं, लेकिन कंपनी वर्ड के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आएगी ये कोई नहीं जानता, या इसके ऊपर बाद में झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझको कंपनी टर्म को डिफाइन करना होगा, ना कि कंपनी के मीनिंग को बताना होगा, इसलिए ड्राफ्ट्समैन ने यह डेफिनेशन लिख दी और बता दिया जो अब तक कंपनी का मतलब अब समझते आ रहे हो वो कंपनी तो है ही है, बात समझे? तो ड्राफ्टमैन कोई उल्ली के पट्टे नहीं है, उन दिमाग लगा करके डेफिनेशन लिखा हुआ।
जैसे मैंने कहा कि वो 1945 में जो कंपनी बनी है, 1955 में जो कंपनी बनी है, 65 में जो कंपनी बनी है, क्या उसको कंपनी से 2013 फॉलो करना होगा? हाँ, वाई? बिकॉज वो कंपनी है. अब आप सीना तान के कह रहे हो कि वो कंपनी है, कौन से डेफिनेशन के अंदर? सेक्शन 220 के अंदर. बात समझे? तो 2018 में जो कंपनी बनी है जियो लिमिटेड, क्या वो भी एक कंपनी है? यस. कैसे कह सकते हो सीना तान के? आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि हाँ भैया ये कंपनी है, इसलिए कंपनी से फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 220, और इसलिए डेफिनेशन ऐसा लिखा हुआ. एनी डाउट सो फार कि डेफिनेशन ऐसा ही क्यों है? जनरल मीनिंग को क्यों नहीं लिखा डेफिनेशन के अंदर? क्लियर? पक्का? चलिए, जाते जाते मुझको और एक सवाल का जवाब चाहिए, बताओगे? बाकी आप रिलैक्स हो सकते हो, अभी कोई चिंता नहीं, अभी लर्निंग वगैरह का पार्ट जो कंपनी से है वो हो चुका है. बस तो एक जनरल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब मेरे को चाहिए. बेसिकली अपने सिलेबस में कहा गया, अपना सिलेबस आईसीएसई पूछते मेरा सिलेबस क्या है. चलिए, ये आपका प्रोस्पेक्टस है जो इंटरमीडिएट का प्रोस्पेक्टस, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 मार्क का. उसमें पार्ट 1 क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंपनी लॉ. बाकी बोले भी छोड़ दो, क्या लिखा है? कंपनी लॉ. क्या लिखा है? और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मेरे को डिफरेंस बताओ. ऐसे बोलते हैं लॉ पढ़ाओ, मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा हूं, दोनों में कोई डिफरेंस है? पहले ये बताओ. सर आपने पूछा है तो होगा, ऐसा नहीं है. मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, मैं पूछूंगा 1 = 1, सही की गलत बताओ. तो आप मत सोचिए भाई, वो सेम ही है. हो सकता है कि मैं कोई वाहियत सवाल पूछ लूं आपको, कोई डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस बोलो. हो लो, एक एक. हाँ बेटा, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ एंड लॉ इज अ पार्ट ऑफ एक्ट. इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, एंड पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. हो गया, खत्म, निकले सर, बाय बाय. हाँ जी, सॉरी, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ एंड लॉ. अच्छा, वो आते हैं, वेरी गुड, सही जवाब. तो एक्ट जो है वो बेयर एक्ट पार्लियामेंट से पास होकर निकल आता है, जो पार्लियामेंट पास करती. अब देखिए, जब मैंने लॉ बनाया 2013 में, उसके बाद कुछ पैसेज ऑफ टाइम गुजरा है, 10-11 साल हो गए भाई. अभी 10-11 सालों में क्या मैंने लॉ के अंदर कुछ बदलाव किए होंगे? यहां करे होंगे. साथ साथ लॉ के अंदर, सॉरी एक्ट के अंदर, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया कि आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, उस एक्ट के अंदर बदलाव कर सकते हो. अब बताएंगे मुझको, एक्ट को बदलने का प्रोसीजर क्या एक्ट को बनाने जैसा ही होगा कि चोर होगा? जैसे मान लो मेरे को कंपनीज एक्ट को अमेंड करना है, तो आप बताएंगे मुझको मैं उसको कैसे करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट करे कि वापस मेरे को पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा? क्या बोल रहे प्रेम? बोलो, कुछ बोलो. खुजुर, मेरे से बात करो. शर्मा रहे हैं. हाँ जी, कोई बताएगा? कंपनीज एक्ट को अमेंड करना है ना, अभी May 24 की अमेंडमेंट बैच अभी कुछ अगले हफ्ते में आ जाएगी मेरी, तो मैं अमेंडमेंट बैच जब लूंगा तो उसके अंदर क्या बताऊंगा कि पहले कंपनीज एक्ट के अंदर ये था, अभी ये चेंज हो गया, अभी ये चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? सेम जो कंपनीज एक्ट को बनाने का है, कुछ और है? कुछ और तो क्या है? वो नहीं बता सर, कुछ तो है, कुछ और नहीं है. मैंने बताया, कोई बार मैं वही सवाल पूछ लूंगा,
कुछ और नहीं, वही है जो एक्ट को बनाने का प्रोसीजर है, वही एक्ट को चेंज करने का भी है। अगर मेरे को एक्ट में चेंज करना है तो मेरे को पार्लियामेंट में ही जाना होगा। जब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं तो वो उसके लिए अलग एक्ट बनाते हैं, जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2023, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, जैसे इनकम टैक्स 1961 को फॉलो कर रहे हो या 1961 के कायदे फॉलो कर रहे हो, तो आता है इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट, जिसको रीड करना पड़ेगा इनकम टैक्स 1961 के साथ। तो आपको कंपनीज एक्ट आज जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 के साथ, कंपनीज का लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट करना है तो अलग एक्ट लाना पड़ता है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो आपके प्रिंसिपल एक्ट का ही पार्ट होगा। तो जब आपकी बैच की अमेंडमेंट बैच लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट एक्ट से आया हुआ है, बात समझे? तो एक्ट को अमेंड करने का तरीका एक्ट को बनाने जैसा सिमिलर है, यानी कि पार्लियामेंट में जाके ही करना होगा। यहां तक क्लियर है? मैंने लिखा किसी कंपनीज एक्ट के अंदर किसी प्रोविजन में लिखा कि इफ, मान लो कोई सेक्शन है 420 जो आपका चहेता नंबर है, इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ द आरओसी देन पनिशेबल विथ रुपीज 10,000। एक्ट में लिख दिया कभी कर कोई कंपनी फिनेंशियल में फाइल करने में फेल होंगे 10,000 का पेनल्टी लगेगा, बात खत्म। एक्ट ने लिखा, एक्ट ने लिखा आज किसी भी कंपनी ने फिनेंशियल में फाइल नहीं करी, कितना पेनल्टी लगाऊं, कितना पेनल्टी लगाऊं? मैं कहां पे हूं? 2013 में हूं, 2013 में हूं ना, 10,000 का पेनल्टी लगेगा, समझे बात को? मान लो मैं चला गया 3013 में, मान लो कोई नया एक्ट आया ही नहीं, कोई नया एक्ट आया ही नहीं, तो कितना पेनल्टी दूं? 10,000। लेकिन 3013 में 10,000 की कोई वैल्यू होगी? जैसे मान लो 10 साल पहले अगर मान लो आपने सिग्नल तोड़ा होता तो 50 रुपए बहुत ज्यादा होते, 50 रुपए। आज हरीश क्या बोलता है? ये 50 और एक 50, अगला भी तोड़ूंगा। 50 का कोई वैल्यू नहीं भाई, गर्लफ्रेंड को लेके जाते 500 रुपए का कॉफी पीता है वो, अलग कहने के दारे पत्र काल्पनिक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बैठा, कोई चिंता नहीं, बात समझे कि नहीं समझे? आज 50 का कोई वैल्यू नहीं भाई, तो वैसे 10,000 का वैल्यू उस टाइम पे होगा क्या? कंपनी बोले कि ये 10,000 और ये 10,000, अगले साल का भी नहीं भरूंगा, तो क्या इसमें टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए? ईयर बाय ईयर होनी चाहिए, 2 साल में होनी चाहिए? अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें होगी ना, ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा पार्लियामेंट में जाऊंगा। वैसे पार्लियामेंट कितने समय के लिए सदन में होता है साल में? 3 बार ही होता है, एक होता है बजट सेशन, एक होता है विंटर और एक होता है समर, बात खत्म। 3 बार ही सेशन में होता है, 3 बार ही सब एमपी मिलकर 3 बार ही इकट्ठा आता है, और उसमें आपको वो बातें रखनी होती है। हमेशा एमपी आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो एवरी टाइम आप पार्लियामेंट की वेट करोगे, अरे 10,000 बदलना है भाई, तो हमेशा आपको वेट करना होगा कब आएगा पार्लियामेंट सदन में, फिर कब मैं एक्ट बनाऊंगा, कब मैं लॉ फॉलो करूंगा। तो इस चीज को फॉलो, इस चीज को मिटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने एक ट्रिक बना दी। क्या लिख दिया? इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल द फाइनेंशियल में विद आरओसी देन पनिशेबल विद द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। मतलब पार्लियामेंट ने लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो अमाउंट बोलेगा वो अमाउंट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब ये लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने पावर दिया कि इसके अंदर आप अमाउंट लिख सकते हो जितना आपको चाहिए उतना। तो एक्ट बनाने के टाइम पे मान लो लिखा 10,000 रुपए, लेकिन 2 साल के बाद 10,000 कम लगने लगे तो हमने लिखा 15,000। अब इसको करने के लिए मेरे को पार्लियामेंट में जाने की गरज नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बस एक नोटिफिकेशन डाल देगा, बोल देगा 15,000 फाइन पे करो। आई बात समझ में? तो जब कभी भी कंपनीज एक्ट में आप ये वर्ड देखोगे एज मे प्रिस्क्राइब, एज मे प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, क्या बनाने का? रूल्स बनाने का पावर है। तो आपको जब एक्ट पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ना है? रूल्स के साथ पढ़ना है, बिना रूल्स के एक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। अब बताओ मुझको, अगर मान लो रूल्स ही नहीं होंगे यहां पे, तो बताओ कितना पेनल्टी दूं? पता ही नहीं मुझको, बिकॉज एक्ट में लिखा ही नहीं है ये बातें कहां लिखी जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सेक्शन का करस्पॉन्डिंग रूल जाके पढ़ना होगा। तो रूल्स और एक्ट दोनों को साथ में पढ़ने के बाद मुझको क्या सामने आया? कायदा।
लॉ समझ में आए। तो एक्ट और लॉ में यही डिफरेंस है। एक्ट इज अ बैड टेक्स्ट विच हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, बट लॉ इंक्लूड्स एक्ट एज वेल एज रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज वो पढ़ने के बाद ही मुझको एक्चुअली में लॉ समझता है। सर्कुलर्स जो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो लॉ इज अ वाइडर टर्म, इसके अंदर एक्ट भी आता है और क्या आएंगे, रूल्स आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे वगैरह वगैरह। तो हमको क्या पढ़ना है, कंपनी लॉ की कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ पढ़ना है, बस एक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अपने किताब के अंदर वो रूल्स, वो सर्कुलर्स जो भी उस प्रोविजन के रिलेटेड है, वो उसी प्रोविजन के साथ में आपको दिए हुए हैं। तो आपको जो पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है, अलग से जाकर के कहीं जाके पढ़ने की गरज, अलग से पढ़ना शुरू करिए, ढूंढने में 2 दिन निकल जाएंगे कि साला इसका सर्कुलर है किधर। इधर अपने को अपने बेडरूम की चीजें नहीं मिल रही कि मैंने सुबह यही रखा था, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने किताब के अंदर सारी बातें जो है वो साइड में लिखवा के दी है, तो आपको कोई चिंता करने की गरज नहीं है। एनी डाउट सो फार? तो एक्ट और लॉ का भी डिफरेंस समझे पक्का, और एक वर्ड का मतलब मैं पूछता हूं, कल आप मुझको बताना, ठीक है? एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं, आपने कल इसका मतलब मुझको ढूंढ के लेना है। फाइन, फीस एंड पेनल्टी, इन 3 वर्ड्स का डिफरेंस मुझको कल आप ढूंढ करके बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।